जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 यशोदानंदन भज जन रंजन,
श्री कृष्ण गोविंद
नहरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। संसार में अनेक प्रकार के कर्म हैं और मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चार प्रकार के मुख्य कर्म जिसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहा जाता है, परंतु यह चारों पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ यदि कोई है, समस्त कार्य और समस्त कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म यदि कोई है तो वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति एक ऐसा कर्म है जिस कर्म के द्वारा हम पूर्व के समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और भविष्य में लगने वाले कर्म बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोच्च कर्म और भक्ति के भी बहुत सारे अंग हैं। उपायाहि सहस्त्रेषु, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हजारों हजारों उपाय हैं, परंतु उन हजारों उपायों में से श्रेष्ठ उपाय है नवधा भक्ति। नौ प्रकार के जो उपाय हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ उपायों को श्रेष्ठ माने गए हैं और उनमें भी श्रेष्ठ उपाय है वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है चाहे शारीरिक असमर्थता हो फिर भी व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। आप किसी को माला जपने के लिए कहिए परंतु यदि गूंगा है, उसकी जीभ नहीं है तो बोल नहीं सकता है। किसी को कथा सुनने के लिए कहिए परंतु कान नहीं है तो सुन नहीं सकता है। किसी को शास्त्र पढ़ने के लिए कहिए परंतु ज्ञान नहीं है, पढ़ना जानता नहीं है तो पढ़ नहीं सकता है। लेकिन भक्ति का यह कार्य वंदनम,
भगवान को प्रणाम करना ये एक ऐसा कार्य है जो कोई भी कर सकता है। रास्ते में जो पागल घूमते हैं उसे भी कहा जाए, वे भी कर सकते हैं, एक बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, वंदन भक्ति सब लोग कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम। प्रस्तुत कथा में देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर रही है, नमस्कार कर रही है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। देवी कुंती बार बार भगवान को प्रणाम कर रही है। भक्तों, प्रणाम करना ये भक्ति का अंग है, परंतु प्रणाम करने में बहुत विज्ञान है। साधारण संसार में हम भगवान को या किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने में शरीर से तो हम लौट जाते हैं, शरीर से तो गिर जाते हैं, परंतु हमारा हृदय नहीं गिरता है। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो शरीर से दंडवत करना है। दो प्रकार के प्रणाम, पंचांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम में शरीर के 8 अंग भूमि को स्पर्श होते हैं और ये प्रणाम पुरुषों के लिए है, और पंचांग प्रमाण शरीर के 5 अंग पृथ्वी पर स्पर्श होते हैं, ये प्रणाम माताओं के लिए है। कभी कभी इस्कॉन के भक्तों को कई लोग प्रश्न पूछते हैं, आप लोग प्रणाम सीधा क्यों नहीं करते हो, आप आड़ा प्रणाम क्यों करते हो। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो भी कार्य होता है शास्त्रोक्त होता है, ये कोई भावुकता नहीं है। शास्त्र में बताया गया है, भगवान के सामने गरुड़ जी खड़े रहते हैं, भगवान के सामने अनेक देवता खड़े रहते हैं, भगवान के सामने खड़े रहकर यदि हम सीधा प्रणाम करते हैं तो हमारा हाथ और मस्तक तो भगवान की ओर जाता है, परंतु हमारा पांव जो है देवताओं की तरफ और गरुड़ जी की ओर चला जाता है। एक ओर भगवान को प्रणाम करते हैं, दूसरी ओर गरुड़ जी और देवताओं का अपराध हो जाता है। इसलिए भगवान को सीधा प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। तब शास्त्र में उपाय बताया है कि भगवान को सीधा प्रणाम करने से जितना फल मिलता है उसे कोटि गुना ज्यादा फल भगवान के सामने दाया हाथ रखते हुए प्रणाम करने से मिलता है। ऐसा क्यों? क्यों राइट हाथ रख के भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते हैं? वो बाजू से संतों का मानना है कि जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारा हृदय हमें भगवान को देना होता है, हमारा हृदय भगवान के चरणों में गिराना होता है, और हमारा हृदय जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है, दाहिने बाजू पर। इसलिए जिस बाजू में हमारा हृदय है उस बाजू में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान पूर्ण रूप से उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। परंतु भक्तों, जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम में 3 वस्तु होती है। प्रणाम में सर्वप्रथम भगवान को देखा जाता है, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु को देखा था, जैसे गोपियों ने कृष्ण को देखा था, जैसे मथुरा में रहने वाली महिषियों ने कृष्ण और बलदेव जी को देखा था। तत्कालीन वह शब्द मुझे याद आ रहे हैं, जब कृष्ण मथुरा में प्रथम बार गए
तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मथुरा में रहने वाले हजारों लोग कृष्ण को देख रहे थे, परंतु आंख कृष्ण के ऊपर लग गई, वहां से वापस नहीं लौटती थी। वसुदेव सुतो वीक्ष्य, उस वसुदेव जी के पुत्र को देखकर प्रीता दृष्टि न आददु, इतना आनंद और इतना सुख मिल रहा था उस कृष्ण और बलराम को देखकर कि दृष्टि वापस नहीं आ रही थी, घंटों भर तक देखे रहते थे। प्रणाम का प्रथम अंग है भगवान को देखना, ऐसे देखना, ऐसे देखना कि आंखों के द्वारा भगवान को पी जाना, हृदय में उतार लेना। प्रथम देवी कुंती ने भगवान को देखा। तत्पश्चात दूसरा प्रणाम का अंग है दंडवट करना, दंडे के समान गिरना। आप डंडा कभी खड़ा रखिए और इसे थोड़ा धक्का दे दीजिए, जैसे डंडा गिरता है वैसे भगवान के चरणों में गिरना चाहिए। हम तो स्लो मोशन में धीरे 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 धीरे, और उसमें भी नीचे कुछ गंदगी तो साफ करते हुए। दंडवट का अर्थ ही होता है दंड के समान। ये दूसरा अंग, भगवान को देखना, भगवान के सामने दंड के समान गिरना, और तीसरा अंग है स्तुति। फिर प्रणाम करके उठकर भगवान के सामने स्तुति करनी चाहिए। जब तक स्तुति नहीं करेंगे तब तक वह प्रणाम पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए भगवान के सामने स्तुति होनी चाहिए। वेणुं कुणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतसम हसितम कुंदरागम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम। स्तुति होनी चाहिए, और स्तुति के बाद भगवान से जो भी इच्छा है वो मांगना चाहिए। तुरंत भगवान के सामने खड़े होकर, हे प्रभु आज मेरा धंधा बना दीजिएगा, कुछ विधि होती है, सिस्टम होती है। तो देखना, दंड के समान गिरना, स्तुति करना, और फिर इच्छा प्रकट करना। यहां पर देवी कुंती ने भगवान को देख लिया है, दंडवट कर लिया है, अब तीसरा कार्य कर रही है, स्तुति करने जा रही है। अनेकों श्लोकों में देवी कुंती के द्वारा स्तुति है। देवी कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, आपका जो शरीर है, अंग है, वो कमल के समान कोमल है। वैसे तो भगवान के जो अंग है कमल से कोटि गुना ज्यादा कोमल है, सुंदर है, परंतु हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने और देवी कुंती ने कृष्ण के अंग को कमल के साथ उपमा दी है। कमल जैसी आंख है, कमल जैसे पांव है। क्यों? क्योंकि भक्तों इस संसार में कमल से सुंदर हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो हमें पहचानने के लिए भगवान कितने सुंदर हैं कमल बहुत सुंदर होता है। माधुर्य कादंबनी नाम का एक ग्रंथ है जिसके रचयिता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ग्रंथ के अंत में रोते रोते आंखों से आंसू गिर रहा है और कलम और पत्ता भीग रहा है, और अंत में माधुर्य कादंबनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि प्रभु मैंने इस ग्रंथ में बहुत अपराध किया है, मैंने बार बार आपका अपराध किया है, आपके चरणों की उपमा, आपके शरीर के अंग की उपमा में कमल के साथ दे बैठा, परंतु प्रभु सत्य तो यह है आप तो कमल से कोटि गुना श्रेष्ठ हो, लेकिन मैंने आपके अंग को मात्र कमल जैसा बताया, मुझे क्षमा कीजिएगा। जड़ जगत के जड़ जीव को समझाने के लिए भगवान को कमल 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 कहा जाता है, भगवान तो कमल से भी कोटि गुना सुंदर है। प्रभु आप अत्यंत सुंदर हो। अब देवी कुंती को भगवान के द्वारा जो कृपा हुई है,
भगवान ने देवी कुंती के ऊपर जो अनुग्रह किया वो अनुग्रह याद आ रहे हैं कि हे प्रभु आपकी कितनी कृपा मुझ पर है। देखिए ये है शुद्ध भक्त का स्वभाव। और हम जैसे भक्त, प्रभु इस संसार में मैं ही दुखी हूं, मेरा कुछ कीजिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सारा दुख मेरे जीवन में ही क्यों आ रहा है, लेकिन देवी कुंती यह नहीं कह रही है। देवी कुंती तो अपने आप को सौभाग्य मान रही है कि हे प्रभु आपकी कितनी कृपा मुझ पर है। मुंह मुंह बार बार इस संसार में कोई व्यक्ति कृपा करता है, एक बार कृपा करे, दो बार करे, तीन बार, पांच बार, लेकिन बार बार कृपा करना ये तो मात्र आप ही कर सकते हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीरम सुचार पिता विमोचिताहस सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहु विपद गणान। प्रभु आपने मेरे ऊपर जितनी कृपा की है उतनी कृपा तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। आपने मेरी भाभी आपकी सगी मां देवकी के ऊपर उतनी कृपा नहीं की जितनी कृपा मुझ पर की, क्योंकि उस देवकी के छे छे बालक को, छे छे पुत्र को कंस ने उस देवकी के सामने देखते देखते मार दिया और बेचारी कितनी दुखी रही, रात दिन दुखी रहती थी। परंतु प्रभु मेरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप हमें दर्शन दिए और मेरे दुख को दूर कर दिया, अद्भुत कृपा। बोले कौन सी कृपा? तब जैसे फिल्म की रील चलती है वैसे देवी कुंती के मन में भगवान की कृपा की रील चलने लगी और अद्भुत श्लोक भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे बेरक्षिता। देवी कुंती याद करा रही है कि हे प्रभु बार बार कृपा। सर्वप्रथम कह रही है विशान, ये अद्भुत श्लोक है, एक एक शब्द में एक एक लीला का वर्णन है। यदि चाहे तो केवल एक श्लोक पर 7 दिन की भागवत कथा हो सकती है। भागवत के इतने गुह्य रहस्यमय श्लोक हैं, परंतु समय का अभाव और माया का प्रभाव, कुल मिलाकर संक्षिप्त में इतना ही समझिए, महाभारत में वर्णन है। जब कौरव और पांडव छोटे थे, बचपन से ही दुर्योधन पांडवों को मारने का प्रयास करता था। एक दिन की बात, दुर्योधन ने मन में सोचा कि पांडव तो 5 हैं और उसमें भी सबसे बल वाला भीम है, क्योंकि भीम जन्म से ही 2000 हाथी का बल लेकर जन्म लिया था। कथा आती है जब राजा पांडु ने देवी कुंती को भेजा, जाओ और वायुदेव का आवाहन करो। वायुदेव प्रकट हुए और वायुदेव की दृष्टि से देवी कुंती के गर्भ से भीम का जन्म हुआ और उस भीम को लेकर देवी कुंती आ रही थी। रास्ते में जंगल में एक शेर को देख लिया, उस शेर को देखकर हाथ से बालक गिर गया। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं जिस पत्थर के ऊपर वह बालक गिरा वह पत्थर चूर चूर हो गया। जन्म से 2000 हाथी का बल। पहले के जमाने में बल जो है हाथी के साथ नापा जाता था, पर आज स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, आज बल को घोड़े के तुलना में नापते हैं, हॉर्स पावर। कितना हॉर्स पावर है? पहले हॉर्स पावर नहीं चलता था, एलिफेंट पावर चलता था। अब एलिफेंट पावर से हॉर्स पावर हुआ, अब मुझे लगता है कुछ साल के बाद बिल्ली पावर हो जाएगा। धीरे धीरे बल घट रहा है, सत्व घट रहा है। भीम को मारने के लिए दुर्योधन एक योजना की, पिकनिक करने के लिए
नदी किनारे गए, बहुत खेले कूदे। जब सबको भूख लगी, भीम को भी भूख लगी, कहा भूख लगी है? भीम ने कहा लड्डू लेकर आओ। दुर्योधन ने कहा लड्डू लेकर आओ। उस लड्डू में जहर मिलाए थे और जहर वाले लड्डू भीम को खिला दिए। मूर्छित होकर बेचारा गिर गया और भीम को उठाकर नदी में फेंक दिया और घर पे जाकर बोल दिया कि हम लोग नदी में स्नान कर रहे थे और भीम डूब गया, मर गया। वातावरण शोकमय हो गया और यहां पर भीम पाताल में चला गया। सर्प लोक का वास पाताल में है। अनेक सर्प आए और भीम को डसने लगे, परंतु भक्तों शास्त्र की एक नीति है, विशस्य विषम औषधम। लोहा को लोहे से काटा जा सकता है, वैसे विष के द्वारा विष को उतारा जा सकता है। वह जहरीले सर्प जब भीम को डसने लगे तो भीम को मरना था, उसके बदले वे जीवित होने लगे। आश्चर्यचकित हो गए, हम जितना इसको डस रहे हैं उतना जीवित होते जा रहा है। अपने राजा के पास गए और सारी बात बताई, कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। जब भीम को सर्पराज के पास लेकर गए तो सर्पराज के साथ भीम के नाना जी थे, दादाजी। कहा बेटा यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या बताऊं नाना जी, वो दुष्ट दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिला दिए और मुझे फेंक दिया। बोले बेटा डरने की बात नहीं है, अब चिंता मत करो, सामने 8 अमृत के कुंड है, जाओ और उस अमृत का पान करो। एक एक कुंड में एक एक 1000 हाथी के बल की शक्ति है। 8 कुंड में अमृत का पान करो। भीम गए, अमृत का पान किया, अमृत में स्नान किया और नाना जी ने भीम को सही सलामत उस नदी किनारे पर लाकर छोड़ दिया। देवी कुंती याद करा रही है विशान, हे प्रभु मेरा पुत्र भीम मर चुका था, लेकिन आपकी कृपा से मेरा पुत्र मूर्छित होकर जिस नदी में गिरा, आपकी कृपा से वह 10,000 हाथी का बल लेकर उस नदी से बाहर निकला। प्रभु एकमात्र आपकी कृपा, विष से मेरी रक्षा की। तत्पश्चात महाअग्ने गिना रही है दूसरी। हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट था, उस लाक्षा गुरु की अग्नि में हम लोग मरने ही वाले थे। एक बार दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को कहा, पिताजी अब हमारे घर में हम लोग 100 भाई हैं और वो लोग 5 भाई, 105 लोग एक घर में, ठीक से रहा नहीं जाता है, बहुत कंजस्टेड स्थिति हो रही है, सुबह स्नान करने में बाथरूम में जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो पिताजी एक काम कीजिए, पांडवों के लिए एक अलग महल बना देते हैं। ये तो पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने कह दिया, ठीक है बना लो। तब दुर्योधन ने पांडवों को रहने के लिए एक भवन बनाया और जो भवन मोमबत्ती से बना था, मोम से एक दियासली लगाने पर पूरा भवन जलकर राख हो जाए, बिल्कुल प्लानिंग के साथ दुर्योधन ने बनवाया। परंतु एक भूल कर बैठा वह दुष्ट दुर्योधन के उस लाक्षागुरु बनाने का जो आर्किटेक्ट इंजीनियर था वो विदुर जी को रखा, विदुर जी को रखा कि आप जरा डिजाइन और सब पास आप कीजिएगा। और विदुर जी तो महाभागवत स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकिर वयम वयम अर्थात यमराज, और यमराज का दूसरा अवतार विदुर जी, साक्षात महाभागवत भगवान के परम भक्त, भगवान की प्रेरणा हुई और विदुर जी ने सोचा कि निश्चित कुछ मारने का प्लान बन रहा है। लाक्षा भवन बन गया और जिस समय उस भरी सभा में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को चाबी दे रहे थे कि जाओ अब आप लाक्षा अब उस भवन में रहिए, तो विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को चाबी देते समय म्लेच्छ भाषा में, वेदव्यास जी लिखते हैं म्लेच्छ भाषा में अर्थात इंग्लिश में,
क्योंकि आज की म्लेच्छ भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो उस समय ये म्लेच्छ भाषा दो लोग जानते थे, विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज। विदुर जी ने एक भाषा में कह दिया कि चूहा जब अपना घर बनाता है तो उसके बहुत सारे दरवाजे छोड़ता है, और चाबी दे दिया। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कुछ गड़बड़ है, रक्षा भवन में चले गए, परंतु कोई सोता नहीं था, रोज जगते थे, कुछ गड़बड़ हो जाए, सोते सोते हम मर जाए उससे अच्छा है जगे रहे। कई दिन बीत गए, भीम को क्रोध आया कि रोज इतना जागरण करना, इतना जगना, एक काम करते हैं, हम लोग ही इस भवन को जला देते हैं और यहां से भाग जाते हैं। तब भीम ने उस लाक्षा भवन में आग लगाई और अपने चारों भाई और अपनी मां को लेकर, कहा जाता है भीम ने अपनी मां को कंधे पर बिठाया, अपने दोनों भाई को हाथ में ले लिया, एक भाई को दूसरे कंधे पर, एक भाई गले में लटक गया, और अकेला भीम ये अपने पूरे फैमिली को उठाकर वहां से चला गया। कई लोग कहते हैं, हम कहते हैं युक्ताहार कीजिए, भोजन प्रमाण मात्रा में लीजिए, तो कहते नहीं, भीम तो खाते थे, भीम जितना खाते थे उतना काम भी करते थे, हम लोग करते हैं, कितनी सेवा की है, कई किलोमीटर अपने चारों भाई को अपनी मां को उठाकर भीम चले गए। खाना कोई गलत चीज नहीं है, भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जितना भोजन उतना भजन भी होना चाहिए। जैसे मान लो हम मोटरसाइकिल या कोई कार खरीदने शोरूम में जाते हैं, तो शोरूम में जाकर सबसे पहले क्या पूछते हैं, जो कम से कम पेट्रोल खाए और ज्यादा से ज्यादा एवरेज किलोमीटर चले ऐसी कार बताइए, है ना, क्योंकि आज तो 65 रुपया लीटर हो गया है, तो कम से कम पेट्रोल खाए और ज्यादा से ज्यादा माइलेज एवरेज दे ऐसी कार दीजिए। हम लोग ऐसी कार को ग्रहण करते हैं, भगवान भी ऊपर बैठे बैठे देखते हैं, जो कम से कम भोजन करता है और ज्यादा से ज्यादा भजन करता है उसे भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखहा। गीता में कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, जीवन में सब कुछ युक्त होना चाहिए, सब कुछ युक्त, जरूरत से कम भी नहीं खाना चाहिए और जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। यहां तो ठोस ठोस के भरते हैं, पेट ना कह देता है, डकार भी आती है, पेट ना बोलता है, परंतु जीवा तृप्त तो होती ही नहीं है, पानी पीने की जगह तो नहीं रहती है, हवा की भी जगह नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं पानी पी लो, बोले पानी पीने की जगह होती तो दो लड्डू और न खा लिया होता। युक्त आहार होना चाहिए। अति अति सर्वत्र वर्ज्य, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं कि अति चीज जो है जीवन से त्याग देनी चाहिए। अति रूपात हताशिता अति गर्वेण रावण अति दानात बलि बंदो अति सर्वत्र वर्जयेत। सर्वत्र सभी जगह पर, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सभी जगह पर अति चीज वर्जनीय है। तो उस लाक्षा गुरु से देवी कुंती कहती है कि हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से हमको बुद्धि आई और लाक्षा गुरु से, उस अग्नि से हमारी रक्षा हो गई, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। पुरुषाद अदर्शनात भयं भयंकर असुरों से, राक्षसों से हमारी रक्षा हो गई। जब पांडवगण वनवास में थे और अंतिम अज्ञातवास में थे, तब ब्राह्मणों के घर पर रह रहे थे, और जिस गांव में रहते थे वहां पर एक असुर बहुत उस गांव वालों को मारता था और पीड़ित करता था,
गांव वालों ने मीटिंग करके उस असुर को बोल दिया कि आप इस प्रकार से सबको मत मारो, हम प्रति वर्ष एक दिन इस गांव में से भोजन सामग्री आपके पास भेजेंगे और जिस व्यक्ति को भेजेंगे उसे भी तुम खा जाना। गांव के सभी घर से प्रतिवर्ष एक एक व्यक्ति जाता था। पांडवगण जिस घर पर रुके थे उनकी बारी आई और पिता पुत्र आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैं जाऊंगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आप चिंता मत करो, आप दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मेरा भाई भीम जाएगा। पूरे गांव ने मिलकर भोजन सामग्री बहुत सारी बैलगाड़ी पर उस भोजन सामग्री को लाद दिया और भीम को कहा, आप जाओ। भीम ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं जाता हूं। अनेकों बैलगाड़ी के ऊपर भोजन लेकर भीम निकले हैं। जब तक असुर के पास पहुंचे तब तक तो सारा भोजन भीम ही खा गए थे। असुर ने देखा इस बार खाली प्लेट आई है, क्रोधित हो गया और भीम के द्वारा उस असुर का वध हुआ। पुरुषाद अदर्शनाथ, हे कृष्ण, आपकी कृपा से उस विष से हम बच गए, उस अग्नि से बच गए, उस भयंकर पुरुष से बच गए। आगे कहती है, असत सभाया वनवास कृच्छत। हे कृष्ण, आपकी सभा से उस असत सभा में इस कुरुवंश की कुल वधु मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की लाज लुटी जा रही थी, लेकिन आपकी कृपा से मेरी पुत्र वधु बच गई। पांडवों को वनवास देने के लिए दुर्योधन शकुनी का पक्ष लेकर और शकुनी के द्वारा छल कपट करके द्रुत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया, हार गए, अपने शस्त्रों को हार गए, स्वयं हार गए, यहां तक अपने राज्य को हार गए और अंत में अपनी पत्नी को हार गए। जो लोग जुआ खेलने बैठते हैं, चाहे पांडव भी क्यों ना हो, भगवान के शुद्ध भक्त भी क्यों ना हो, यदि जुआ शुरू हो गया जीवन में उसका पतन निश्चित है। इसलिए आगे आएगा, जीवन में यदि भजन करना है, सुखी रहना है तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। पत्नी को हार गए इतने शुद्ध भक्त होकर, और जैसे ये अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, तुरंत दुर्योधन ने आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, और अब द्रौपदी पांडवों की नहीं मेरी है। और उस समय कर्ण बोला था, ये पांच पांच पुरुषों की पत्नी पत्नी नहीं, ये तो वेश्या है। और दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ और उसे इस सभा में नग्न करो, मेरी जंघा पर बिठाओ। 10,000 हाथी का बल था दुशासन में। गया द्रौपदी के कक्ष में, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। द्रौपदी ने ना कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूं, मेरी स्थिति नहीं है, दुशासन नहीं माना। अंत में द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटते हुए, भक्तों प्रसंग आया है इसलिए कह दूं, पराई स्त्री के बाल में किसी का हाथ यदि चला जाता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। हत आयु कच स्पर्श, जिस दिन उस पर स्त्री के बाल में दुशासन के हाथ गए उस दिन कौरवों की उम्र हर ली द्रौपदी ने, उल्टी गिनती शुरू हो गई। पर स्त्री के सामने भूल से भी देखना नहीं चाहिए, उसे स्पर्श करने की बात तो दूर रही, और आज इसने बहुत बड़ी भूल कर दी, उस द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए द्रौपदी को उस भरी सभा में लेकर आया। जिस सभा में द्रौपदी को लाया गया एक दो व्यक्ति नहीं, महाभारत में वर्णन है 20,000 कुर्सी लगी थी, 20,000 तो राजा बैठे थे, प्रजा की तो कोई गिनती नहीं है। और उस सभा में दुर्योधन ने आदेश दिया, नग्न करो इसे। और तब वह अबला नारी दोनों हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र के पास गई, महाराज आपके होते हुए इस कुरुवंश की सभा में मेरी इज्जत लुटी जा रही है, मेरी लाज लुटी जा रही है, आप कुछ कहिए, आप अपने पुत्र को रोकिए।
लेकिन पुत्र के मोह में वह अंधा धृतराष्ट्र उस दिन कुछ नहीं बोल पाया। द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई, पितामह आप तो कुछ कीजिए, आप तो सबके वरिष्ठ हैं, आप तो सारी नीति जानते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। पितामह भीष्म भी उस समय कुछ नहीं बोल पाए, मन में प्रश्न होता है कि भागवत ने पितामह भीष्म को महाभागवत कहा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकिर वयम। भगवान को पूरा पूरा समझने वाले इस दुनिया में 12 लोग और उनमें से एक पितामह भीष्म द्रौपदी की इज्जत क्यों नहीं बचा पाए। एक बार द्रौपदी ने पूछा था, जब पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि में उस उत्तरायण के दिन युधिष्ठिर महाराज को राज धर्म देश धर्म अनेक धर्म का दान धर्म का ज्ञान दे रहे थे, तब उस समय द्रौपदी बोली थी, जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए द्रौपदी पितामह भीष्म को कहा कि पितामह आप इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिस समय कुरुवंश की सभा में मैं आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर गिरी थी और आप मेरी रक्षा नहीं कर पाए, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था। अभी तो आप स्त्री धर्म के बारे में बता रहे हैं, राज धर्म के बारे में, क्या उस समय आपके दिमाग में यह ज्ञान नहीं था। तब पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर बात कही, बेटा बेटा तुम्हारा यह मानना बहुत उपयुक्त है, यह निश्चित है उस समय मेरा ज्ञान हर लिया गया था। क्यों? क्योंकि बेटा उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, हम जैसा खाते हैं ना वैसा मन बुद्धि और कार्य हो जाता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि आहार शुद्ध है तो वेदों में कहा गया है हमारा मन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, और यदि मन शुद्ध होगा तो हमारे कार्य शुद्ध होंगे, और यदि हमारे कार्य शुद्ध होंगे तो हमारी गति शुद्ध हो जाएगी भगवत धाम में। परंतु आज हमारा आहार शुद्ध नहीं है, अखाद्य वस्तु खाते हैं, पाप का धन खाते हैं। कहा बेटा उस समय मैं पाप का धन पाप का भोजन दुर्योधन का भोजन खा रहा था, लेकिन जब तुम्हारे पति अर्जुन ने उस सैकड़ों बाणों से मेरे शरीर को भेद दिया और दुर्योधन के भोजन से बना हुआ जितना खून था वह सारा खून जब अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मेरे शरीर से निकाल दिया, तब आज मेरे हृदय में यह बुद्धि आई है कि मैं आपको इतना सुंदर ज्ञान देने में समर्थ हुआ। जब तक पाप का अन्न इस शरीर में इस रग में दौड़ेगा, जब तक अखाद्य वस्तु का अन्न हमारे शरीर रग रग में दौड़ेगा, तब तक हमारे मन में शुद्ध विचार नहीं आ सकते हैं। पितामह भीष्म भी द्रौपदी को नहीं बचा पाए। अंत में यह द्रौपदी अपने पतियों के पास गई कि हे एक नहीं मेरे पांच पांच पति हैं, लेकिन फिर भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन उस समय वो पांच पति भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने सोचा धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया, भीष्म पितामह ने कुछ नहीं किया, पतियों ने कुछ नहीं किया, मैं मेरी शक्ति से मेरी रक्षा करूंगी। वह दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने अपने हाथों से साड़ी को पकड़ लिया। लेकिन कल्पना करो कहां 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन और कहां यह अबला नारी, अपनी रक्षा कैसे कर सकती है। जब अपनी शक्ति भी नहीं चली और वह साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी को मन में वेद व्यास जी की बात याद आई। जब द्रौपदी का विवाह हुआ था, वेद व्यास जी ने आशीर्वाद देते हुए द्रौपदी को कहा कि बेटा जीवन में जब तुम विषम स्थिति में फंस जाओ, जब जीवन में दुख का समय आए,
तो और किसी को याद न करते हुए कृष्ण को याद करना अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस भरी सभा में द्रौपदी ने कहा, पुर में रहने वाले लोग क्या जानो माँ बेटी और बहन की इज्जत क्या होती है, लाज क्या होती है। पानी के बीच में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक बहन की लाज क्या होती है। सबका सहारा द्रौपदी ने छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर करके, हे कृष्ण द्वारका वासी पाही पाही जगतपते, हे द्वारका में रहने वाले कृष्ण कृपया करके आप मेरी रक्षा करो। दोनों हाथ ऊपर करके द्रौपदी जब कृष्ण को बुलाई, महाभारत में लिखा है उसी समय भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, सोने के सिंहासन पर बैठे थे। सत्यभामा रुक्मणी जामवती भोजन परोस रही थी, परंतु द्रौपदी की याद करते ही आठों अंग फड़कने लगे, कृष्ण के आठों अंग, और कृष्ण वहां से कूद गए। मेरी बहन की रक्षा करनी है, गरुड़ जी ने कहा प्रभु आप मेरे पर बैठ जाइए, एक सेकंड में पहुंचा दूंगा। कृष्ण ने कहा गरुड़ जी आज तुम्हारी गति भी धीमी लग रही है मुझे। कृष्ण अपनी शक्ति से आकाश के मार्ग से उड़े, परंतु कृष्ण को लगा कि मैं भी यदि देरी से पहुंचूंगा। कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया, द्रौपदी की लाज रखने के लिए वस्त्र को आदेश दिया। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं आकाश में वस्त्र उड़ रहा है, कृष्ण उसके पीछे, गरुड़ जी उनके पीछे, और यहां पर दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। परंतु भगवान का नाम लेते ही द्रौपदी के चीर को भगवान ने पुर दिया। वह दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, खींचते खींचते पसीना निकल गया, मुंह से फेन निकल गए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, परंतु द्रौपदी की साड़ी को पूरी नहीं कर पाया। नारी है के साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, ये नारी है के साड़ी के फैक्ट्री है कुछ पता नहीं चलता है। दुर्योधन अपनी जांग ठोकते रह गया, परंतु उस द्रौपदी की साड़ी पूरी नहीं हुई, द्रौपदी की लाज रह गई कृष्ण की कृपा से। पर भक्तों, जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर मनाना रूठना ये सब होता है। द्रौपदी की लाज रह गई, प्रसन्न हो गई। भगवान कृष्ण द्रौपदी के सामने प्रकट हुए, द्रौपदी रूठकर कृष्ण को कहते हैं भैया यदि आपको मेरी लाज रखनी ही थी तो इतना दुखी क्यों किया, भैया आपने आने में देरी क्यों कर दी। बड़ी देर भई रे, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम। वास्तव में भगवान को आने में देर जरूर होती है, परंतु वे आते हैं। द्रौपदी ने कहा कि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देर क्यों करा दी। कृष्ण तो बोलने में इतने चतुर हैं, कहा बहना मैं तो तुम्हारी बाजू में खड़ा था तुम्हारी रक्षा करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने कहा कि हे कृष्ण द्वारकावासी पाही पाही जगतपते, हे द्वारका में रहने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो। अब मैं मेरे भक्तों का वचन कैसे काट सकता हूं। तुमने कहा द्वारका वाले कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो मैं यहां से द्वारका गया और द्वारका से दिल्ली आया, आने जाने में थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो भक्त की रक्षा करने में मैं देरी नहीं करता हूं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों की रक्षा करने में कभी भी देरी नहीं। गजेंद्र की रक्षा करने में भगवान ने, आचार्य गण लिखते हैं, जब वहां पर गजेंद्र ने एवं व्यवस्थितो बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजापम परमम जाप्य प्राग जन्म अनुशिक्षितम, अपने पूर्व जन्म का जो स्त्रोत गजेंद्र को याद आया, भगवान को याद किया, वह ग्रह ने गजेंद्र को बिल्कुल डुबा दिया। मरने की अंतिम घड़ी और अंतिम समय में गजेंद्र ने भगवान श्री विष्णु को याद किया, और उस समय भगवान वैकुंठ में थे। अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान वैकुंठ से उतरे। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो। तब भगवान इतनी जल्दी गजेंद्र के पास आए, भगवान लक्ष्मी जी को जवाब देने जा रहे थे कि मैं हाथी के पास जा रहा हूं, तो कहा जाता है हा जो था हाथी का आ लक्ष्मी जी के पास बोले, और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास पहुंच गए।
और अपने चक्र के द्वारा उस ग्राह के मस्तक को काट दिया, अपने भक्त की रक्षा कर दी। अपने भक्त की रक्षा करने में कभी देरी नहीं करते हैं। देवी कुंती याद कर रही है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असत सभाया, उस असत सभा में मेरी पुत्र वधु की रक्षा हुई, वनवास कृच्छत। हे प्रभु, उस वनवास में अनेक दुर्घटना हुई और वनवास में अनेक दुख आए, परंतु आपकी कृपा से वह सारी दुर्घटना टल गई। वनवास कृच्छत का अर्थ है पांडवगण को 12 वर्ष वनवास दिया था। वनवास में जंगलों में भटक रहे थे और उस समय दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, बहुत सुंदर व्यंजन दुर्वासा मुनि को खिलाए। दुर्वासा जी ने भोजन ग्रहण किया और दुर्योधन को आशीर्वाद दिया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। इस संसार में असुरों की एक नीति है, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने लिए तो कुछ मांगते नहीं मानते, लेकिन दूसरों का अनिष्ट निश्चित मांगते हैं। एक बार एक व्यक्ति के ऊपर शिव जी प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए। लेकिन शिव जी ने कहा, देखो तुम जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा। बोले अब तो ये तो गड़बड़ हो गई, मैं 1 लाख मांगूंगा तो उसे 2 लाख मिलेंगे। बोले हाँ। मैं 1 गाड़ी मांगूंगा तो उसे 2 गाड़ी मिलेगी। बोले हाँ। तो ये सोचने लगा, कहे काम करो भोलेनाथ, आप मेरी 1 आंख फोड़ दो, वो साले की 2 फूटेगी। आज के लोग इतने गिर चुके हैं। और एक काम करो, मेरे घर में 1 कुआ बना दो जिसकी बाउंड्री ना हो, वो अंधा बनेगा और उसके घर पे 2 कुआ, जैसे ही घर से निकलेगा गिरेगा मरेगा। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, उनका तो एक ही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, संसार में सब लोग सुखी हो, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। परंतु दुष्ट दुर्योधन आसुरी वृत्ति का था। दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने पूरा प्लान मन में बना लिया और दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप एक कृपा कीजिए, आपने जो सौभाग्य मुझे दिया ये सौभाग्य मेरे भाई पांडवों को दीजिए। पांडवों के घर पे जाइए और उनके घर पे भोजन कीजिए। अब बेचारे पांडव तो झोंपड़ी में रहते थे, क्या भोजन करेंगे और कराएंगे, खुद के भोजन के वांदे थे। और दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे से ज्यादा सौभाग्य पांडवों को दीजिए, अकेले मत जाना, 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाना। दुर्योधन के मन में यही था कि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के घर पर भोजन करने के लिए जाएंगे और वो वनवासी क्या भोजन खिला पाएंगे, और दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे और 5ों मरेंगे। मारने का प्लान था। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की बातों में आ गए, अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पांडवों के पास गए। झोंपड़ी में जंगल में रह रहे थे। युधिष्ठिर महाराज रास्ते में मिले, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम भोजन करने के लिए आ रहे हैं, 10,000 शिष्य है और मैं 10,000 एक थाली बनाऊं। स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहां से वापस 10-15 मिनट में आ रहे हैं, भोजन तैयार रखो। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं, मैं भोजन तैयार रखूंगा। क्योंकि क्षमा कीजिए, युधिष्ठिर महाराज के मन में था कि हमारे पास अक्षय पात्र है, जितने लोगों का भोजन चाहिए उतना भोजन मिल सकता था। लेकिन उस अक्षय पात्र को धोने के बाद फिर उनमें से भोजन नहीं निकलता, फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा अक्षय पात्र है, दुर्वासा इत्यादि को भोजन करा देंगे। युधिष्ठिर महाराज जब झोंपड़ी में अपने घर पर गए, द्रौपदी को कहा, द्रौपदी 10,000 एक लोगों का भोजन बनाना है, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का। तब द्रौपदी ने कहा अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ,
मैंने अक्षय पात्र तो धोकर रख दिया है। बोले आज अब इसमें से भोजन नहीं निकल सकता है, अब 24 घंटे के बाद। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा यदि भोजन नहीं निकला तो वो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि श्राप देने में एक्सपर्ट है, हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक दुर्वासा ऋषि ने जितना श्राप दिया है उतना और किसी ने नहीं दिया। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, बोले अब तो क्रोधित हो जाएंगे। बोले क्या करे क्या करे। मैंने पहले ही कहा द्रौपदी के जीवन में जब जब दुख आया कृष्ण को याद किया, तुरंत द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो क्या है। बोले केशव 10,000 एक लोगों को आमंत्रित किया है, अब 10 मिनट में आते होंगे और हमने अक्षय पात्र धोकर रख दिया है, अब उनको कैसे भोजन खिलाए। कृष्ण ने कहा अक्षय पात्र लाओ। बोले वो तो धोकर रख दिया है। कहा एक बार लाओ तो सही। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आई और उस अक्षय पात्र में एक चावल का दाना था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक चावल का दाना अपने मुख में रखा और जैसे ही मुख के द्वारा पेट में गया भगवान श्री कृष्ण का पेट भर गया, कृष्ण को डकार आई। भक्तों इतिहास साक्षी है, जिस समय कृष्ण को डकार आई इस भूमंडल में रहने वाले सभी जीवों का पेट भर गया और सबको डकार आ गया। देखिए ये कथा आप सब लोग जानते हैं, परंतु कथा के पीछे जो रहस्य है, जो सिद्धांत है, जो उपदेश है, इस बात के ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। कृष्ण का पेट भर गया, कृष्ण को डकार आई, त्रिभुवन में रहने वाले सभी देवता गंधर्व किन्नर चारण सभी जीवों का पेट भर गया, सबको डकार आई। क्या इससे आपको पता नहीं चलता है कि हमने केवल कृष्ण को भोजन खिला दिया तो दुनिया में सबको भोजन खिला देने का फल मिल गया। हमने केवल कृष्ण की भक्ति कर ली तो दुनिया में सबकी भक्ति करने का फल हमको मिल गया। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर लक्ष्य को तय करते हैं। लेकिन संसार में कुछ मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं सभी रास्ते एक ही हैं, कहीं भी चलो आखिर तो सब एक जगह पर ही जाते हैं। ऐसा करने वाले मूर्ख है। क्या सब रास्ते एक हैं? आपको यहां से मुंबई जाना है तो कोई भी रास्ता पकड़ लोगे मुंबई चले जाओगे, हो सकता है दिल्ली निकलो कन्याकुमारी चले जाओगे। हाँ जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है वो कह देंगे कि कोई भी पकड़ लो चले जाओगे, लेकिन जिसको ज्ञान है वो सोच समझ कर रास्ते को तय करता है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में सबके मूल है। श्री प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग, भगवान सबके मूल है। और यदि हम वृक्ष के मूल में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। भागवत में सनत कुमार नारद जी को कहते हैं यथा तरो मूल निषेच नैन तृप्यंति तत्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश यथे इंद्रियाणाम तथेव सर्वारहणम अच्युते जिया। अच्युत भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के मूल के समान है। यदि मूल में पानी डाल दिया तो डाली में पत्ते में पेड़ में फल में सब जगह पर पानी पहुंच जाएगा। और यदि आप केवल पत्ते में ही पानी डालते रहे या डाली के ऊपर पानी डालोगे तो क्या पानी मिलेगा? यदि आप पत्ते में और डाली में भी पानी पहुंचाना चाहते हो तो जड़ में पानी डालना होगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में यदि आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, अंबे माता है या दुर्गा देवी है या कोई भी देवी है या कोई भी देवता है या कोई भी पितृ है गंधर्व किन्नर या मनुष्य है कोई भी जीव है, तो उसकी डायरेक्ट भक्ति करने से आप रात दिन मेहनत करो वो तृप्त नहीं होंगे। लेकिन आप कृष्ण की भक्ति कर लेते हो तो ये सब लोग तृप्त हो जाते हैं। और आप कितने लोगों को तृप्त करोगे? 33 करोड़ देवी देवता है, सबके लिए एक एक दिन भी आपने निकाला तो भी कम पड़ेगा। तो बुद्धिमानी इसमें है, ये सब के मूल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, पेट भर गया, सबका पेट भर गया। स्नान करते करते
दुर्वासा ऋषि के शिष्य आए, महाराज हमारे पेट में तो भूख नहीं है, हम तो भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा भी भोजन करेंगे तो अब उल्टी हो जाएगी, वोमिट हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, यार मेरे पेट में भी भूख नहीं है, अब क्या करें। सब लोग स्नान करके बाहर निकले, अपने अपने धोती, भीम को भेजा, जरा जाओ और उन लोगों को लेकर आओ। भीम हाथ में गदा लेकर चलते हुए आ रहा था और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य को कहने लगे, देखो भीम गदा लेकर आया आ रहा है और हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं, आप कभी होटल में जाओ और होटल में जाकर पंजाबी, ये पुलाव, ये खीर, ये वो सब कुछ ऑर्डर देने के बाद 10,000 एक प्लेट का ऑर्डर दे दो और सारा भोजन होटल वाला बना दे और फिर कहे कि नहीं अब हमको नहीं चाहिए। होटल वाले क्या करेंगे, मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि सोच रहे हैं कि हम ऑर्डर दे चुके हैं और अब भूख तो किसी के पेट में है नहीं, क्या करें। तो सारे शिष्य कहने लगे, वो भीम आ रहा है गदा लेकर, अब उसकी गदा और हमारा मस्तक, अब महाराज क्या किया जाए। दुर्वासा ने कहा, धोती पकड़ी, धोती है ना उसे हाथ में पकड़ो। सबने हाथ में पकड़ लिया। बोले, प्रभु यदि धोती पहनी नहीं है। बोले, पहनना नहीं है, हाथ में पकड़ो। अब क्या करें, हाथ में पकड़ लिया, अब भागो। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि वहां से भाग गए। वनवास कृच्छत, देवी कुंती ये सब याद करा रही है कि हे प्रभु, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात असत सभायाम वनवास कृच्छत, उस वनवास में बड़ी दुर्घटना से आपने हमारी रक्षा की। मृदे अनेक महारथास्त्रे, हे प्रभु अभी अभी आपने कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक अनेक रथी, अतिरथी, महारथी, मृदे का अर्थ था युद्ध भूमि में, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से आपने हमारी रक्षा की। पांडवों को मारने के लिए कर्ण के पास बहुत अस्त्र थे, परंतु भगवान की कृपा से उस कर्ण के महान महान शस्त्र से अर्जुन इत्यादि पांडवों को बचा लिया। नहीं तो एक कवि ने तो बहुत सुंदर लिखा है, यदि कर्ण के जीवन में दुर्घटना न आई होती, यदि भगवान श्री कृष्ण उस कर्ण के जीवन में दुर्घटना न दिए होते तो अकेला कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा दिया होता, इतना पराक्रमी था एक कर्ण, क्योंकि सूर्य के अंश से जन्म लिया था और कुंती का पुत्र, साधारण पुत्र नहीं था। अनेक दुर्घटना, प्रथम दुर्घटना एक के बाद एक गिनिए आप। कर्ण परशुराम जी के पास धनुष विद्या सीखने गया, सारी धनुष विद्या सीख ली, एक दिन की बात, कर्ण के गोद में परशुराम जी अपना मस्तक रखकर सो रहे थे, एक कीड़ा आया और जंगा में कर्ण को काट दिया, खून निकलने लगा, कर्ण हिला नहीं, और जब वह गरम गरम खून परशुराम को स्पर्श हुआ जग गए। बोले, इतना खून निकल गया और तुमने मुझे जगाया नहीं। बोले, गुरु जी कैसे जगाऊं, आप सो रहे थे, आपकी निद्रा में कैसे भागा था। तब परशुराम जी के मन में हुआ कि ब्राह्मण के पुत्र में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती है, तुरंत खड़े हो गए और कर्ण को कहा, सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने कहा था कि गुरुजी, मैंने आपको झूठ बोला था, मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं, मैं सूत पुत्र हूं। और उस समय परशुराम ने श्राप दिया कि मैंने तुम्हें जो भी धनुष विद्या सिखाई है, समय आने पर तुम भूल जाओगे। ये प्रथम दुर्घटना। दूसरी दुर्घटना, कर्ण के पांच कवच और कुंडल थे। ये सहस्त्र कवच असुर हरिद्वार क्षेत्र में, बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के साथ युद्ध हुआ, 1,000 कवच शिवजी की कृपा से प्राप्त हो चुका था। भगवान नारायण ने 1,000 वर्ष तक युद्ध करके प्रथम कवच तोड़ा, फिर नर ने 1,000 वर्ष युद्ध किया, दूसरा कवच, वैसे बारंबार कवच तोड़ने लगे, 999 कवच टूटे, तब वह सहस्त्र कवच असुर सूर्य में जाकर छिप गया।
और कुंती के ऊपर जब सूर्य देव ने कृपा की तब वही सहस्त्र कवच असुर कर्ण बनकर जन्म लिया और जन्म से ही उसके शरीर पर कवच था और शिव जी की कृपा से वह कवच प्राप्त हुआ था। जब तक वह कवच कर्ण के शरीर पर था दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती थी। पता चला तब अर्जुन के गुरु इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के शिविर में गए भिक्षान देही और कर्ण ब्राह्मण भक्त था। बोले क्या चाहिए? तो ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा कि आपके शरीर में जो कवच और कुंडल है वो दोनों दे दो। कर्ण ने कहा क्या मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो? मैं जानता हूं तुम इंद्र हो और अर्जुन का पक्ष लेकर आए हो, लेकिन आप कर्ण के शिविर में आए हो। मैं जानता हूं तुम इंद्र हो परंतु ब्राह्मण का वस्त्र पहनकर आए हो। ये ब्राह्मण के वस्त्र की मर्यादा है, क्योंकि ब्राह्मण का वस्त्र पहनकर आए हो, मैं कवच और कुंडल दोनों दे दूंगा। दे दिया कर्ण ने। ये दूसरी दुर्घटना, परशुराम का श्राप, कवच और कुंडल जाना, और फिर भी कर्ण के पांच पांच बाण थे और दुर्योधन को दिखाया कि मित्र चिंता मत करो, ये पांचों बाणों के ऊपर पांचों पांडवों का नाम लिखा है और आने वाले दिनों में पांचों पांडवों को मैं मारूंगा। कृष्ण को पता चला कि ये पांच बाण लेकर बैठा है। कृष्ण ने रात को जगाया पांडवों को, जगो, वो तुम्हारा बाप पांच बाण लेकर बैठा है। अर्जुन युधिष्ठिर इत्यादि ने कहा कि क्यों जगा रहे हो केशव, यदि पांच बाण लेकर बैठा है तो कम से कम हमें मार डालेगा ना, मर जाएंगे। लेकिन तुम याद रखना, यदि पांडवों में से हम कोई भी मरे तो कल सुबह ही न्यूज़पेपर में आएगा, अखबार में आएगा, कृष्ण के भक्त थे मर गए, कल से तुम्हारी भक्ति कोई नहीं करेगा। यदि केशव तुम चाहते हो कि तुम्हारी भक्ति संसार के लोग करे तो हमारी रक्षा करो, बाकी हम जिए मरे कोई फर्क नहीं है, हमने तो हमारे जीवन का सारा भार तुम्हारे चरणों में सौंप दिया है। अब सौंप दिया सब भार भगवान तुम्हारे चरणों में, सारा भार। वास्तव में जीवन में चिंता से यदि मुक्त होना है तो हमारे जीवन का जितना भार है भगवान के चरणों में सौंपना चाहिए। हमारे जीवन में चिंता इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही कुटुंब को चला रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हूं करू एज अज्ञानता, शकट नो भार जेम श्वान ताणे। गुजरात में बहुत सुंदर प्रचलित दोहा, मैं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। कैसे? वे संत दृष्टांत देते हैं, जैसे शकट, जैसे बैलगाड़ी चल रही है और बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, परंतु कुत्ते को लगता है कि ये पूरा बैलगाड़ी का भार मैं ढो रहा हूं, मैं उठा रहा हूं। वैसे इस दुनिया में सब कुछ भगवान चलाते हैं, लेकिन हम लोग मान बैठते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान की कृपा से भगवान को सब सौंप देना चाहिए, चिंता से मुक्त हो जाएंगे। पांडवों ने सौंप दिया और अब कृष्ण चिंता करने लगे, क्या करूं। कृष्ण ने देवी कुंती को जगाया, जगो और जाओ कर्ण के पास और सारी बात बता दो कि तुम उनकी मां हो, वो तुम्हारा पुत्र है, और जब वो तुम्हें प्रणाम करेगा तब वो पांचों अस्त्र मांग लेना। देवी कुंती गई और कर्ण को बताया, बेटा तू सूत पुत्र नहीं, तू मेरा पुत्र है। तब कर्ण के जीवन में प्रथम बार पता चला ये कुंती देवी मेरी मां है। प्रणाम किया, बोलो माताजी क्या चाहिए, मैं आज तक आपकी सेवा नहीं कर पाया। तब देवी कुंती को समझा कर रखा था कृष्ण ने, बेटा वो जो पांच बाण है ना वो दे दो। कर्ण ने दे दिए पांचों बाण। चौथी दुर्घटना, एक से एक दुर्घटना। फिर भी कर्ण के पास एक बाण था जिसका नाम था एकग्नि, महाभारत में वर्णन है, एक अग्नि नाम का बाण दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन चिंता मत करो, ये बाण स्पेशल अर्जुन के लिए रखा है, मैं अर्जुन को मारूंगा कल के युद्ध में। कृष्ण को पता चला अभी भी एक बाण रखा है,
अब क्या करें। तब उस समय कृष्ण भीम पुत्र घटोत्कच के पास गए और रात को बहुत बहकाया। कृष्ण की बात में बेचारा घटोत्कच आ गया और घटोत्कच ने रात्रि युद्ध किया। रातों रात युद्ध होने लगा और घटोत्कच उस दुर्योधन की सारी सेना का विनाश करने लगा। दुर्योधन जगा, कर्ण को जगा रहा है। कर्ण, वो जो कल रात को बाण दिखाया था इसके ऊपर छोड़ो। कर्ण ने कहा, नहीं वो तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। बोले, कल सुबह होगी तो तू अर्जुन को मारेगा ना, ये रात को ही सारी सेना का खात्मा कर देगा। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने उस एकग्नि नाम के बाण को घटोत्कच के ऊपर चलाया, मर गया घटोत्कच। पांचवी दुर्घटना। ये पांच पांच दुर्घटना कर्ण के जीवन में, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में धनुर्धर की पोस्ट में एक दिन की बात, अर्जुन के सामने कर्ण का सामना हुआ उस रणभूमि में। कर्ण धमासान युद्ध करने लगा अर्जुन के सामने। अर्जुन परम पराक्रमी था, लेकिन जिस दिन कर्ण के सामने आया, आखिर तो दोनों भाई थे, आखिर कुंती के पुत्र थे। धमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध करते करते कर्ण ने एक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया, अपने कान तक प्रदंचा को खींचा। कृष्ण समझ गए कि ये बाण अर्जुन के गर्दन पर आने वाला है और कर्ण ने अर्जुन के गर्दन का निशाना लेकर धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा। और अद्भुत अमोघ बाण कर्ण ने चलाया और कृष्ण समझ गए, और समझते ही वह बाण छुट गया कर्ण के धनुष से। और उस समय तत्कालिक कृष्ण ने अपनी मुष्टिका का प्रहार अपने चारों घोड़ों के ऊपर किया। चारों घोड़े घुटना टेक गए। डेढ़ फुट भगवान श्री कृष्ण का रथ नीचे हो गया और कर्ण का अमोघ बाण अर्जुन के मस्तक को नहीं, अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया। अर्जुन की रक्षा हो गई। यह है कृष्ण की कृपा। देवी कुंती याद कर रही कि हे प्रभु, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रे, अनेक अस्त्र थे, शस्त्र थे, परंतु आपने मेरी रक्षा की। और द्रोणस्य तच्चाश्म हरे भी रक्षिता, और अभी अभी आपने उस द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की। प्रभु, आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है, आपने हम पर बहुत कृपा की है। भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं ना, तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपने हमको बहुत दिया है। हर समय ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, हर समय भीख नहीं मांगती रहनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है। आप देखिए, भगवान ने हमको लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, इतनी सुंदर बुद्धि दी, पागल भी नहीं बनाया, कितनी बड़ी कृपा है। तो बहुत सुंदर देवी कुंती ने स्तुति की। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, मानो कि बुआ जी, आप बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हो और आपकी स्तुति से मैं खुश हूं, अब काम की बात की जाए, आपको क्या चाहिए ये बताओ। तब देवी कुंती ने तो पहले कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने जब बार बार कहा क्या चाहिए, मांग लो मांग लो, तब देवी कुंती ने मांगा है। न भूतो न भविष्यति, आज तक इस दुनिया में न तो किसी ने ऐसा मांगा था, न मांग रहा है, न मांगेगा, जो कुंती ने मांगा था। क्या मांगा? विपद संतु न शश्व, तत्र तत्र जगद् गुरो शनम यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। कुंती ने कहा, जब कृष्ण ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तब देखो इस भारत वर्ष की यह महिला भगवान कृष्ण से क्या मांग रही है, विपद। हे कृष्ण, यदि आपको कुछ देना ही है तो विपद दुख दीजिए। विपत्ति का अर्थ होता है दुख, देना ही है तो दुख दीजिए। विपद संतु, हमारे जीवन में सदैव विपत्ता आती रहे, दुख आते रहे।
भगवान ने कहा ऐसा क्यों मांग रही हो, दुख क्यों मांग रही हो, गाड़ी बंगला नौकर चाकर मांग लो, दो तीन करोड़ मांग लो। बोले नहीं प्रभु, आपको देना है तो दुख दीजिए। भगवान ने कहा दुख लेने का कारण क्या है? तब देवी कुंती कहती हैं, जहां पर विपत्ति होती है तत्र तत्र वहां वहां जगतगुरु आप उपस्थित रहते हैं। संसार में भी देखा गया है ना, जहां सुख होता है, बहुत पैसा होता है, गाड़ी बंगला ऐश्वर्य होता है, वहां भक्ति नहीं होती है, वहां तो भोग होता है। भक्ति तो उनके जीवन में होती है जिसके जीवन में दुख होते हैं, क्लेश होते हैं। तो प्रभु मुझे दुख चाहिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब तब आपकी याद आती है, बाकी सुख के समय में कहां आप याद आते हो, दुख दीजिए। तो कृष्ण ने कहा मेरा दर्शन करके तुमको क्या मिलेगा, तुम दुख मांग रहे हो ताकि मेरा दर्शन हो, मेरा दर्शन प्राप्त करके क्या मिलेगा। तो कहते भवतो दर्शनम यस्यात्, प्रभु आपका दर्शन करने से अपुनर्भवम दर्शनम, आपका एक बार भी संसार में कोई दर्शन कर लेता है तो उसे फिर से इस भव का, इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता है, वो फिर से इस भौतिक जगत में आता नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार 84 के चक्कर में आना, माँ के गर्भ में आकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। भवतो दर्शनम यस्यात्, यस्यात् जो व्यक्ति आपका दर्शन कर लेता है अपुनर्भव, इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु दुख दीजिए। बाकी इस संसार में जिनके जीवन में दुख नहीं है, जिसके जीवन में सुख है, वो कहां भक्ति करते हैं। देवी कुंती कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह पुमान नैवाहत्य विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, ऐश्वर्य जिसके जीवन में बहुत सारे ऐश्वर्य है, श्रुत जो बहुत पढ़ा लिखा है, वो सबको अभिमान होता है, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये मद है, धन का मद, ज्ञान का मद, उच्च कुल में जन्म लेने का मद, ये सब अभिमान है। और जब तक जीवन में अभिमान होता है तब तक भजन नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी यदि उच्च कुल में जन्म हो जाए तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मात्र उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं बनता है, उच्च कार्य करने से व्यक्ति उच्च बनता है। कुछ लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो क्या हो गया। इस संसार में कुछ लोग का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है परंतु उनमें ब्राह्मणत्व नहीं है, ब्राह्मणों के गुण नहीं है, पठन पाठन यजन याजन शम दम तप शोच शांति ऊर्ज एवच ब्राह्मणों के कार्य नहीं करते। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर जो ब्राह्मणों के कार्य नहीं करते हैं वो ब्राह्मण नहीं है, उससे तो अच्छे वो चांडाल है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणों से भी यदि कोई ब्राह्मण हो परंतु मेरी भक्ति न करता हो, और यदि कोई चांडाल हो और वो मेरी भक्ति करता हो, तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। उच्च कुल का मद नहीं होना चाहिए। जन्मना शूद्र जायते, संसार में जन्म से सब लोग शूद्र है, संस्काराद द्विज उच्चते, परंतु जब उसका द्विजाति संस्कार होता है, यज्ञ पवित्र इत्यादि पहनाया जाता है, तब उसे द्विज कहा जाता है, और फिर वह वेद पाठों का पठन पाठन करने लगते हैं, तब उसे वेद पाठाद भवेत विप्र, तब उसे विप्र कहा जाता है, और वेद शास्त्रों का पठन पाठन करके जब वो ब्रह्म को जानने लगते हैं, भगवान को पहचानने लगते हैं, ब्रह्म में विचरण करने लगते हैं, तब शास्त्र कहता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। तो इस प्रकार
इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, ये सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिसमें ब्राह्मणों के गुण नहीं है। न तो वो शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, न यजन याजन करते हैं, न हरिनाम जप, न भक्ति करते हैं, केवल पाप करते रहते हैं, और फिर भी अभिमान होता है, मद होता है, भक्ति नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को धन का मद होता है, पैसे का मद, मेरे पास इतना पैसा है, मैं कमाता हूं, मेरे कारण सब लोग जी रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पैसे का जो मद है एक नशे के समान है। शराब का नशा तो जब पेट में जाता है तब व्यक्ति को मद चढ़ता है, शराब पेट में जाती है तब नशा चढ़ता है, परंतु धन पॉकेट में आ जाता है व्यक्ति 2 फुट ऊपर चलने लगता है कि मैं कुछ हूं। धन की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जानते हैं किस वाहन के ऊपर सवार होती है? जैसे गणपति का वाहन है चूहा मूषक, कार्तिकेय का मोर, शिव जी का नंदी, भगवान विष्णु का गरुड़, वैसे लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। वृंदावन में कभी बेल वन में जाइए, बहुत सारे उल्लू हैं लक्ष्मी जी के वाहन। उल्लू का स्वभाव आप जानते हैं, उल्लू दिन को नहीं देखते हैं, रात को देखते हैं, और सबसे पहला सब उल्टा लटकते हैं, पांव ऊपर और सिर नीचे। लक्ष्मी जिस वाहन के ऊपर सवार होती हैं उसका पांव ऊपर और सिर नीचे। आज भी जिसके पॉकेट में लक्ष्मी आ जाती है वो भी उल्टा हो जाता है, वेदों की मर्यादा से उल्टा चलता है, वो फिर सीधा नहीं रहता है, और दिन को नहीं देखता है, रात को दिखता है बीयर बार में या कहीं गलत जगहों पर। धन अच्छी वस्तु है, परंतु धन का अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का मद अच्छा नहीं है। बोले जिसके पास धन है, जन्म ऐश्वर्य, ये प्रभु आपकी भक्ति नहीं कर सकते हैं, धन्य है संसार में वह गरीब जनता जिसके हृदय में दुख है, दुख का एहसास है, और वे आपका भजन कर सकते हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि आप अब बुआ जी बहुत हो गया, आप बार बार भगवान 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 कहते जा रही हो, यदि मैं भगवान हूं तो यहां क्यों आया? तब देवी कुंती कहती है, वैसे पहले तो कह चुकी है कि मैं कुछ नहीं जानती हूं, और सब कुछ बता देती है। कृष्ण ने कहा यदि मैं भगवान हूं तो क्यों आया? तो देवी कुंती कहते हैं संसार में बहुत लोग अपने अपने मन और बुद्धि से कहते हैं, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, केचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोके ये कीर्तय। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप इस संसार में पुण्य श्लोके युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप यदुवंश को सौभाग्य देने के लिए आए हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं अपरे वसुदेवस्यम, पूर्व काल में वसुदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर आप इस पृथ्वी पर आए हो। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर यहां पर आए हो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्षेमाय वधार्य च सुरत विषाम, आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। कुछ लोग कहते हैं कि अनेक अनेक देवताओं की प्रार्थना से आप इस पृथ्वी पर आए हो। ये सब लोग अलग अलग कारण देते हैं, परंतु ये सब आपके जन्म के गौण कारण है। प्रभु आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हो मैं जानती हूं। देवी कुंती बहुत बड़ा रहस्य खोलने जा रही है, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं। तब देवी कुंती कहती हैं, भवेश्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। आपके जन्म का वास्तविक कारण मैं जानती हूं,
कहते अस्मिन भवे, अस्मिन इस भवे संसार में सब लोग क्लिश्यमाणा नाम, सब लोग दुखी हैं, और दुख का कारण अविद्या, काम और कर्म। भवेस्मिन क्लिश्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी, सबके दुख का कारण यह है। और इस संसार में जब तक संसार का व्यक्ति आपकी भक्ति न करे, तब तक इस दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। आप भी जीवन में देख सकते हैं, एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख दूर करने का, सुखी होने का बहुत सारा प्रयास करता है, लेकिन आज तक वह सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख मात्र भगवान की भक्ति से मिल सकता है, और भगवान की भक्ति करने का उत्तम साधन श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। देवी कुंती कहती हैं कि मैं जानती हूं संसार में सब लोग दुखी हैं, और संसार के दुखी लोग जब तक आपकी कथा नहीं सुनेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आप इस संसार में इसलिए आते हो, अपने धाम से इस संसार में उतरते हो, और इस संसार में आकर कुछ लीला करते हो, और लीला करने के बाद चले जाते हो, फिर आप ही वेद व्यास जी बनकर आते हो और अपनी की हुई लीला को लिखते हो, और फिर संसार में उस लीला को सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, और उस लीला का श्रवण करने से संसार के लोग समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। श्रवण स्मरण अरहाणी करिष्यन्ति न केचन, न केचन और कोई कारण नहीं है, आपके जन्म का यही कारण है कि आपकी लीला का लोग श्रवण करें और स्मरण करें। क्योंकि शुणवंति गायन्ति गृणन्ति भिक्षण स स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। देवी कुंती कहते हैं, इस संसार में जो लोग आपकी कथा का श्रवण करते हैं, शुणवंति, जो लोग आपकी कथा का श्रवण करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। और फिर कहते गायन्ति, जो लोग आपकी कथा को गाते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि ये प्रभु जी कितने महान है, कितनी सुंदर भक्ति करते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। ये जो भी है, भगवान के धाम में जाने का जब समय आएगा तो पहला चांस आप लोगों का लगेगा। क्योंकि देखिए श्लोक में, भगवान के धाम में सबसे पहले कौन जाएगा? शुणवंति, सुनने वाला, गाने वाला बाद में, प्रवचन करने वाला बाद में, पहले तो सुनने वाले जाएंगे। क्रम से चले यदि तो शुणवंति, कितना सौभाग्य है आप लोगों के पास सुनने का अवसर है। बोलते 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 रहते हैं, सुनने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। तो शुणवंति, सुनने वाले भगवान के धाम में चले जाते हैं। गृणन्ति, जो लोग इस कथा को गाते हैं वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। गृणन्ति अभीक्ष्णस, और जो लोग इस कथा को गुनगुनाते हैं, कभी कभी माताएं रोटी बनाते हुए, घर का काम करते हुए कथा को गाती हैं, वो भी आपके धाम में चले जाते हैं। स्मरन्ति, जो लोग आपकी कथा का स्मरण करते हैं वो भी आपके धाम में चले जाते हैं। और फिर अंत में चौथा चीज बताती हैं, नंदन्ति। नंदन्ति का अर्थ होता है अभिनंदन। इस संसार में हो सकता है कुछ लोग कथा का श्रवण नहीं कर सकते हैं, हरिद्वार नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग कथा बोल नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग कथा को गुनगुना नहीं सकते हैं, क्योंकि सुना नहीं है तो क्या गुनगुनाएंगे। कुछ लोग कथा का स्मरण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं निकाल सकते, नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं। अपने घर पे बैठे बैठे यदि कोई नंदंती, नंदंती का अर्थ है अभिनंदन, वे जहां है अपने घर पे मुंबई में बैठे बैठे यदि कोई ऐसा कह देता है कि ये लोग सुखताल जा रहे हैं, सुखताल में कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस कथा का अनुमोदन करने वाला व्यक्ति भी भगवान के धाम में चला जाता है, है? कितनी कृपा है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, संसार में लोग अभिनंदन भी नहीं कर सकते हैं। सोचते हैं लोग चले हैं,
और बैठ गए हैं लंबा लंबा तिलक करके, मोटी मोटी कंठी पहनकर। कर तो नहीं सकते हैं, परंतु कम से कम जो करते हैं उसका अभिनंदन भी नहीं कर सकते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अभिनंदन कही सुनही अनुमोदन करही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुमोदन करने वाला भी भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो हे प्रभु, आपका जन्म इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। ऐसे अनेक श्लोकों में देवी कुंती भगवान को स्तुति करती है, प्रार्थना करती हैं, और भगवान बार बार कह रहे हैं कि कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। तब देवी कुंती अंत में भगवान श्री कृष्ण से मांगती हैं कि हे प्रभु, आपको देना ही है। तो जैसे चंद्रमा धीरे धीरे दिन भर दिन बढ़ता जाता है, जैसे चंद्रमा रात दिन बढ़ता जाता है, वैसे मेरी भक्ति रात दिन आपके चरणों में बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद दें। गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता को जब भगवान ने दर्शन दिया, तब नरसिंह मेहता ने यही मांगा है, शुद्ध भक्ति वधे मारी पुरानी माजे विशुद्ध गाइए हे मारी पुरानी मा, शुद्ध भक्ति वधे मारी पुरानी माजे है कि जिन जिन जन्मों में मेरी आंखें खुले, भले अनेक जन्म हो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपके धाम में पहुंच जाऊं। मेरे जितने भी जन्म हो, उन सभी जन्मों में जन्म लेकर जब मेरी आंखें खुले तो एकमात्र आपका दर्शन हो, या रोज सुबह जब मैं बिस्तर से उठूं तो आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपका दर्शन हो। आंख मारी उघड़े क्या सीताराम देखो, आइए सभी लोग, आंख मारी उघड़े क्या राधे श्याम
देवी कुंती बार बार भगवान को प्रणाम स्तुति कर रही है और अंत में कहती है कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि आप हस्तिनापुर से छोड़कर द्वारका मत जाइए, क्योंकि आपके बिना ये पृथ्वी शोभित नहीं हो रही है। आप जिस पृथ्वी पर अपना चरण रखते हो वह पृथ्वी चारों ओर से सुशोभित हो जाती है, समस्त अलंकार उस पृथ्वी पर लग जाते हैं। गोपियों ने भी गोपी गीत के प्रारंभ में यही कहा, हे कृष्ण, जिस दिन से आपका हमारे ब्रज में जन्म हुआ है, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्व तत्र ही, द्वारका मत जाइए। जिस दिन से आप हमारे ब्रज में आए हो कि आप उस दिन से ये इंदिरा ये लक्ष्मी निरंतर हमारे ब्रज में वास कर रही है और हमारा ब्रज अत्यंत उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा है। प्रभु आप अपना चरण छोड़कर मत जाइए, आप रुक जाइए। और कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण रथ में जा रहे थे, परंतु इतनी अद्भुत स्तुति हुई, इतनी सुंदर प्रार्थना हुई, वह जाने वाले भगवान उस रथ से उतर गए और देवी कुंती के घर पर ही रुक गए। आज भी हम हमारे घर पर भगवान को रुकाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, हमारे घर में भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, तो देवी कुंती की इस प्रार्थना को निरंतर बोलती रहनी चाहिए, विशेष माताओं को, क्योंकि ये माता के द्वारा स्तुति हुई है निरंतर। और सभी श्लोक याद न हो तो एक प्रसिद्ध श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, बार बार भगवान को स्तुति कीजिए। भगवान कृष्ण रुक गए, युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर करने के लिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर इत्यादि समस्त पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, उत्तरायण का समय आ गया, सूर्य मकर राशि में प्रवेश होने जा रहा था, अद्भुत पवित्र समय देखकर पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखते देखते अपने प्राण को त्याग दिया। पितामह भीष्म के द्वारा अद्भुत स्तुति का वर्णन सुत गोस्वामी करते हैं, परंतु ये स्तुति मैं यहाँ पर बाकी रखता हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये स्तुति हम वहां जाकर करेंगे जिस स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म ने जिस स्थान पे सोए हुए स्तुति का उच्चारण किया था, वहां पर स्तुति की कथा होगी, क्योंकि इस कथा के बाद हम सब लोग कुरुक्षेत्र जाने वाले हैं, तो वहां जाकर हम इस स्तुति का गान करेंगे, कथा करेंगे। पितामह भीष्म का देह त्याग हुआ, भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए और यहां पर निष्कंटक राज्य का भोग युधिष्ठिर महाराज करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, 9 महीने के बाद उस बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है अद्भुत बालक, क्योंकि इस दुनिया का यह प्रथम बालक था जिन्होंने मां के गर्भ में ही मंगला आरती की थी, भगवान को देखकर आया था गर्भ में, और जिस दिन से भगवान को देखा था, भगवान रक्षा करने के लिए गए थे, उस दिन से ये बालक भगवान को देखने का चाह मन में उत्साह था। मां के गर्भ से निकलने के बाद सब लोग की ओर घूर घूर के देखता था कि क्या ये वही है जो मुझे गर्भ में दर्शन दिया था, नहीं ये वो नहीं है, बारंबार एक दूसरे लोगों के ऊपर दृष्टि डालता। इसलिए कृपाचार्य जब नामकरण करने लगे तब देखा कि ये दूसरों का परीक्षण कर रहा है, परत ईक्षण, बार बार दूसरों को देख रहा है और परीक्षण कर रहा है, तो दूसरों का परीक्षण कर रहा है, इसलिए आज से इसका नाम हुआ परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। नाम रखा गया परीक्षित और कृपाचार्य ने दूसरा नाम रखा, क्योंकि इस बालक की रक्षा साक्षात विष्णु ने की है, इसलिए इस बालक का दूसरा नाम होगा विष्णुरात। शिवा छिद्र स्वामी कहते हैं विष्णुरात, रात का अर्थ है ददाति, देना। भगवान विष्णु ने जीवन दान दिया था, इसलिए इनका नाम हुआ विष्णुरात।
और कृपाचार्य ने बहुत सुंदर भविष्यवाणी की, ये बालक कुरुवंश का शिरोमणि होगा, कुरुवंश के नाम को दुनिया में रोशन करेगा, और ये बालक येश दाता शरण्यश्च यथा होश निरश शिबी, ये राजा शिबी की तरह सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा शिबी की तरह दानी होगा, पराक्रमी होगा। राजा शिबी की कथा आप सब लोग जानते हैं। एक बार एक बाज कबूतर का पीछा कर रहा था, कबूतर दौड़ते दौड़ते शिबी महाराज के पास आया, कहा महाराज मैं आपके राज्य का कबूतर हूं, बाज मेरा पीछा कर रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपका कर्तव्य है आपकी प्रजा का रक्षा करना। बोले कोई बात नहीं आप बैठो। बाज आया, बोले राजन ये कबूतर मेरा शिकार है, आप मेरे शिकार को छोड़ दो। बोले मैं भी आपकी प्रजा हूं, मेरा भोजन छोड़ दो। राजा ने कहा चाहो तो तुम मेरे शरीर के मांस को ले लो, पर कबूतर को मत खाओ। बोले ठीक है। ये कबूतर को एक तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को रखो और उनके शरीर का वजन जितना है उतना वजन तुम्हारा मांस मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। तराजू के एक पल्ले पर कबूतर को रखा और एक पल्ले पर राजा ने अपने पांव को काट कर रखा, लेकिन कबूतर का वजन ज्यादा था। दोनों पांव को काट के रखा, दोनों हाथ को काट दिया, दड़ को काट दिया, मस्तक को पूरे शरीर को काट कर वहां पर रख दिया। तब अग्नि देवता प्रकट हुए, राजन हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। तो हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हो गए जो कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर को काट कर उस बाज को दे दी। और आज के राजा और गाय को काटने के लिए लाइसेंस देते हैं और कहते हैं हम नेता है, खाक नेता है। राजा उसे कहते हैं जो अपने देश की प्रजा का, देश की जनता का कल्याण करे, रक्षा करे, फिर चाहे छोटे से छोटा जीव भी क्यों ना हो, पक्षी भी क्यों ना हो, पशु भी क्यों ना हो। राष्ट्र आज के नेता पशुओं को मारने का, कत्ल खाने खोलने का लाइसेंस दे रहे हैं। कभी शांति नहीं आ सकती है, जब तक ऐसे राजा इस भूमि पर राज करेंगे कभी शांति नहीं आएगी। अरे राज्य तो था महाराज परीक्षित का, राज्य था राम राज्य। शास्त्रों में उपमा दी जाती है देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अरे जिसके राज्य में किसी को बुखार नहीं आता था, इसको कोई चिंता नहीं होती थी, कोई क्लेश नहीं। किसान लोग इच्छा करते थे मेरे खेत में इस समय में इतनी ही बारिश होनी चाहिए, उसके खेत में उस समय में उतनी ही बारिश होती थी। समुद्र देवता रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, केवल लेकर पहनने की आवश्यकता होती थी। समृद्ध नगरी, समृद्ध राजा। परीक्षित महाराज की भविष्यवाणी हुई। धीरे धीरे महाराज परीक्षित बड़े होते गए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका चले गए। बहुत दिन बीत गया और बहुत दिन बीतने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन तुम जाओ, क्योंकि उस समय फोन की सुविधा नहीं थी या कोई पोस्ट की सुविधा नहीं थी। कृष्ण का खबर जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारका गए, पता चला कृष्ण तो द्वारका छोड़कर अपने धाम में चले गए हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं इति चिंतयस्तस्य दृष्टा रिष्टेन चेतसा राज्ञे प्रत्यागमत ब्रह्मन् यदुपुरिया कपिध्वज। भगवान श्री कृष्ण द्वारका को छोड़कर चले गए। अरे द्वारका को छोड़कर क्या चले गए, इस दुनिया में रहने वाले सबके सौभाग्य को छोड़कर चले गए। अर्जुन के मन में बहुत चिंता हुई, दुख हुआ, और सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं कि बहुत चिंता करने लगे कि प्रभु चले गए। यदुपुरिया कपिध्वज, इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, उसके नीचे लाइन की है आप सबको पता चले, इसलिए अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज।
अब जानते हैं अर्जुन का नाम कपिध्वज कैसे हुआ? बहुत बड़ा सिद्धांत है इसके पीछे, पूरा प्रवचन समाप्त हो जाएगा यदि विस्तार करूं तो, लेकिन सिद्धांत तो हम छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन का एक नाम कपिध्वज है, ध्वज का अर्थ है ध्वजा। अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है उस ध्वजा के ऊपर कपि, कपि माने हनुमान जी, हनुमान जी बैठे हैं। तो जिसकी जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान बैठे हैं उनका नाम हुआ कपिध्वज। अब अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी क्यों बैठे हैं? पुराणों में बहुत सुंदर कथा है। एक दिन की बात, अर्जुन ये महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद, बहुत दिनों के बाद अर्जुन घूमते 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 दक्षिण भारत में पहुंचा और दक्षिण भारत में श्रीरंगम नामक क्षेत्र में उस समुद्र में अर्जुन ने स्नान किया और स्नान करके थक कर अर्जुन जी बैठे थे और उस समय वहां पर हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं हनुमान, राम का भक्त जिन्होंने इस समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था, भारत से लंका जाने के लिए भगवान रामचंद्र ने सेतु बांधा था। तब उस समय अर्जुन को मन में कुछ अहंकार आ गया। जिसके मन में अहंकार आ जाता है वह शुद्ध भक्तों में और भगवान में भी दोष देखने लगते हैं। अर्जुन ने कहा तुम्हारे प्रभु ने जो कार्य किया ठीक है, लेकिन वो सेतु बांधने के लिए इतने सारे बंदरों को बुलाया, इतना मेहनत और इतना काम कराया, इतना पसीना बहाया, यदि मैं चाहता तो एक धनुष से पूरा सेतु बांध सकता था। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान ने सेतु इसलिए बंधवाया क्योंकि हमारे जैसे बंदर थे मोटे मोटे, वो धनुष बाण से बने हुए सेतु में यदि हम लोग चलते हैं तो वो टिक नहीं पाता था, इसलिए भगवान ने मजबूत सेतु बनवाया। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरे धनुष से जो सेतु बन जाता है उस पर कितना भी वजन आए वो टूट नहीं सकता है। अर्जुन को अहंकार हो गया, बड़े बड़े लोगों में अहंकार आ जाता है। तो अर्जुन और हनुमान जी के बीच में शर्त लग गई। हनुमान जी ने कहा हो ही नहीं सकता है, तुम कितना भी मजबूत पुल बनाओ यदि मैं उस पर चलूं तो वो टूट ही जाएगा। अर्जुन ने कहा कभी नहीं टूटेगा। बोले लगी शर्त? बोले लगी। और जो हारेगा वो क्या करेगा? आत्महत्या, जो हारेगा वो मरेगा। तैयार है? हनुमान जी ने कहा मैं तैयार हूं। अर्जुन ने कहा मैं भी तैयार हूं। दोनों तैयार हो गए। अर्जुन ने मंत्र उच्चारण करके अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस समुद्र में उस बाण को छोड़ा और समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया और कहा कि हनुमान जी महाराज अब चलो इस पर। हनुमान जी महाराज उस सेतु पर चलने लगे और पूरा सेतु पर चले, कुछ कूदे, बहुत जंप मारे, लेकिन सेतु टूटा नहीं। तब हनुमान जी महाराज नर्वस होकर वापस आ गए। अर्जुन का अहंकार और बढ़ा। तो देखा ये तुम्हारे भगवान राम ने जो किया है वो गलत कर दिया, परंतु भगवान कभी भी अपने भक्तों का अहंकार ज्यादा देर तक रखने नहीं देते हैं। तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां पर न जाने कहां से आ गए और हनुमान जी तो आत्महत्या करने जा रहे थे, कृष्ण प्रकट हो गए। कहा हनुमान जी क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु आप बाद में आओ, उसको करने दो जो कर रहा है। बोले क्या हुआ? बोले हम दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि मैं पुल बनाऊंगा और उसके ऊपर हनुमान जी चलेंगे, टूट जाएगा तो मैं आत्महत्या करूंगा, नहीं टूटेगा तो हनुमान जी आत्महत्या करेंगे, और हनुमान जी हार गए। अच्छा दोनों के बीच में मैच लगी थी? बोले हाँ, और हनुमान जी हार गए। बोले बिना अंपायर के मैच का रिजल्ट कैसे आ सकता है? आप लोगों ने बिना अंपायर के मैच का रिजल्ट ले लिया, नहीं ये गलत है, ये ठीक नहीं है। यदि आपको शर्त करनी तो फिर से करो, मैं अंपायर खड़ा रहता हूं, अंपायर के रूप में मैं खड़ा रहता हूं फिर से आप लोग, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग छल कपट किए हो।
अर्जुन को तो अहंकार था, बोले कोई बात नहीं फिर से करो। फिर से अर्जुन ने बाण का सम्मान किया, मंत्र उच्चारण करके बाण को चलाया और बहुत बड़ा सेतु बना दिया। कृष्ण ने कहा हनुमान जी चलिए अब आप। हनुमान जी ने प्रथम कदम उस सेतु पे रखा, सेतु धड़ाम करके समुद्र में गिर गया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अब कौन आत्महत्या करेगा? अर्जुन ने कहा देखो पहले तो नहीं टूटा था, हनुमान जी आत्महत्या करेंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं अंपायर आ गए, अब तुम आत्महत्या करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को मनाया, देखो कोई आत्महत्या नहीं करेगा, आप दोनों को अभिमान आ गया है। और वास्तव में ये सारी जो भी लीला हुई मेरे योग से, मेरी इच्छा से हुई। अर्जुन कभी भी जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, और तुम्हें कभी भी जीवन में अहंकार न आए भविष्य में, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि हनुमान जी का साथ कभी मत छोड़ना। और हनुमान जी को भी कह दिया कि तुम अर्जुन का साथ कभी मत छोड़ना। देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट हुआ हमारे जीवन में। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, भक्तों की बात कर रहा हूं। कभी कभी भक्तों के जीवन में भी अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैंने प्रचार किया, मैंने ये किया, मैंने डोनेशन लाया, मैंने ये किया। लेकिन हम हमारे जीवन में यदि अभिमान और अहंकार से बचना चाहते हैं तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी बहुत सुंदर प्रवचन में बताते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार कि अभिमान और अहंकार से बचना है तो हमें हमारी बराबरी वालों के साथ रहना चाहिए। हमारी बराबरी वालों के साथ जब हम रहते हैं ना, तब अभिमान और अहंकार बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अभिमान कब पड़ता है? जब हम हमसे छोटे लोगों के साथ रहते हैं और प्रभु प्रभु करते हैं, पांव पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, तब अभिमान बढ़ता है। और हमसे बड़ों के साथ जब रहते हैं तो बड़े लोग तो बेचारे अपने भजन में मग्न होते हैं, वो तो कुछ बोलते नहीं है। हाँ यदि समान वाले जो है ना, आप कुछ भी गलती करोगे तुरंत मुंह पे बोल देंगे, ठीक से कर, चलो झाड़ू मारो, ये करो, तुम्हारी ये सेवा है। ये बराबरी वाले जो है वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए यदि अभिमान और अहंकार से बचना है तो हमारी बराबरी वालों के साथ रहना चाहिए। आज सब लोग अपने से नीचे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपने से बड़े लोगों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बराबरी वालों के साथ किसी का जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बराबरी वाले हैं वो मुंह पे खुला बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम में ये दोष है। अभिमान से बचने के लिए बराबरी वालों के साथ रहना चाहिए। उस दिन से अर्जुन हनुमान जी के साथ रहने लगे, इसलिए अर्जुन का एक नाम हो गया कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन आए हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर महाराज को खबर दी। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि कृष्ण यदि इस भूमि पर नहीं है तो हमें भी इस भूमि पर रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, हम भी चले जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव द्रौपदी हिमालय के मार्ग से होते हुए स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। और यहां पर परीक्षित महाराज का विवाह राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ। महाराज परीक्षित के चार पुत्र जिनमें सबसे बड़े जन्मेजय, ऐसे महाराज परीक्षित अब पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी दुनिया के राजा हैं। और महाराज परीक्षित के जीवन में एक घटना घटी। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए वापस लौट रहे थे, पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करके। परीक्षित ने अपने राज्य में एक अद्भुत दृश्य देखा प्रथम बार। ये दृश्य क्या था? धर्म पदे के न चरण विच्छायामुष्य लभ्यगाम प्रच्छति समाश्रुवदनाम विवत्सामीव मातरम। धर्म पद एकेन चरण, साक्षात धर्म
कहते हैं धर्म बैल का रूप लेकर एक पग पर खड़ा था। धर्म के तीन पांव किसी ने काट दिए थे, एक पांव पर वो बैल खड़ा था और वो बैल उस गाय को पूछ रहा था जिस गाय के आंखों में आंसू था, तुम क्यों दुखी हो। महाराज परीक्षित अपने रथ पर सवार होकर आए और देखा मेरे राज्य में इस प्रकार से पशुओं को दुखी करना, जीव हिंसा। अपने रथ से उतर गए और उस बैल के पास आए, बताओ किसने मारा, एक बार तुम नाम बता दो उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दूंगा। बार बार परीक्षित पूछ रहे हैं परंतु बैल कुछ नहीं बोल रहा है। यदि बोल नहीं सकते हो तो इशारा कर दो। बार बार परीक्षित के कहने पर जब बैल कुछ नहीं बोला, बोले तुम्हारे दुख का कारण क्या है, किसने पांव काटा है। बहुत बहुत पूछने पर वो बैल इतना ही बोला कि राजन मैं खुद नहीं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बहुत सुंदर बात बताई। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे कर्म है, इस संसार में कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण हमारा अपना मन है, इस संसार में कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण देवी देवता है, संसार में कुछ लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण भगवान है, तो संसार में कुछ लोग कहते हैं इस संसार में दुख और सुख कोई है ही नहीं, ये दुख केवल मन की भ्रांति है। मैं खुद विचलित हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, मैं खुद नहीं जानता हूं। परंतु आप तो राजा हो, राजा तो बुद्धिमान होते हैं, आप धर्मात्मा हो, हे राजन आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। जब उस बैल के मुख से इतनी ऊंची बात महाराज परीक्षित ने सुनी, मन में सोच लिया कि यह साधारण बैल नहीं हो सकता है, ये निश्चित ये बैल के रूप में साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए हैं। दोनों हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने कहा कि आपकी ऐसी स्थिति, मेरे राज्य में धर्म के तीन चरण को किसी ने काट दिया, तो ये सत्य बात है। साक्षात धर्म देवता वहां पर खड़े थे और परीक्षित ने पूछा परंतु जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि धर्म का एक सिद्धांत है, इस संसार में जो बुरे कर्म करता है उसे पाप लगता है, ये सही है, जो लोग बुरे कर्म करते हैं उसे पाप लगता है, परंतु बुरे कर्म करने वालों का नाम लेना और उसकी निंदा ईर्ष्या करना उसे भी उतना ही पाप लगता है। हम लोग कुछ माताएं या प्रभु जी बैठे बैठे बस दुनिया भर की बातें करते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा, वो तो वैसा है उसे पाप लगेगा, लेकिन उसकी बात करके तुम क्यों पाप अपने सिर पर ले रहे हो। धर्म का काट्य सिद्धांत है ये, कभी भी किसी भी पापी व्यक्ति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, पापी व्यक्ति के पाप को हमारे मुख से नहीं बोलना चाहिए, ये कार्य भगवान का है हमारा नहीं है। आज ही मैं सुबह दर्शन करने के लिए ऊपर से आ रहा था, मैं नहीं जानता हूं कि वह कौन था, हमारे परिवार से था या कोई था, कुछ ऊपर कुछ गंदगी हो गई थी, कुछ कचरा हो गया था, तो दो तीन महिला बोलने लगी जिसने बिगाड़ा है उसे साफ करना चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। मन में यही सोचा कि जिसने बिगाड़ा है वो साफ करेगा, तुमको किसी ने ठेका दिया है साफ कराने का, आपको कोई कहने के लिए आया था सुखताल में कुछ गंदगी हो तो साफ करवा देना है? बस खाम का हमारे जीवन का जो कीमती समय है बस दूसरों की निंदा और दूसरों की ईर्ष्या करने में लगा, क्यों? जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको पाप लग रहा है, हम क्यों उस पाप को हमारे मस्तक पर ले रहे हैं। सदन कसाई की कथा आपने सुनी होगी, बहुत विस्तार से संक्षिप्त में मैं इतना बता दूं, एक बार पूर्व जन्म की बात, ये ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेदों का मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। कसाई खाने से एक गाय भाग गई और एक गली में चली गई,
वो कसाई को पता नहीं चला। तब इस ब्राह्मण को पूछा कि तुमने उस गाय को देखा? ब्राह्मण तो पठन कर रहे थे, लेकिन उस ब्राह्मण ने इशारा किया, उंगली से बोले नहीं, केवल एक उंगली से इशारा किया। दूसरे जन्म में उसे मुसलमान बनना पड़ा, कसाई बनना पड़ा, और उसके दोनों हाथ काटे गए। देखिए धर्म का सिद्धांत कितना सूक्ष्म है। केवल उंगली दिखा देने से हाथ कट जाता है, और हम तो रात दिन बोलते रहते हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, ऐसा है, कभी नहीं। चिंतन मात्र भगवान का होना चाहिए, भगवान की लीला का चिंतन होना चाहिए, इसी में हमारा लाभ है। परीक्षित महाराज आजू बाजू में ढूंढने लगे, किस प्रकार से इस बैल के पांव को किसने काटा है। बाजू में एक राजा का वेश लेकर एक व्यक्ति खड़ा था। परीक्षित समझ गए कि ये राजा के वेश में साक्षात कलयुग आ चुका है, नहीं तो मेरे राज्य में ये हो नहीं सकता है। तुरंत हाथ में खड़क से तलवार निकाला और कलयुग को मारने के लिए महाराज परीक्षित गए। कलयुग ने देख लिया कि अब ये मुझे मार डालेंगे। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर परीक्षित के चरणों में शरणागत हो गया। महाराज परीक्षित इतने पराक्रमी थे, वो चाहते तो कलयुग को मार दिए होते। यदि महाराज परीक्षित चाहते तो आज हम लोग सतयुग में बैठे होते, कलयुग आता ही नहीं, द्वापर के बाद सीधा सतयुग आ गया होता। लेकिन कलयुग दोनों हाथ जोड़कर परीक्षित के चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो शरणागत हूं। परीक्षित ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस ब्रह्मांड को छोड़ के चले जाओ। कलयुग ने कहा मैं कहां जाऊं, मुझे इस पृथ्वी में कुछ तो जगह दे दो, कहीं तो रहने का स्थान दे दो। तब महाराज परीक्षित कलयुग को चार स्थान देते हैं। ध्यान से सुनिए, महाराज परीक्षित कलयुग को रहने के लिए चार स्थान बताते हैं। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। देखिए सीधा मैं प्रमाण आपके सामने है, भागवत का श्लोक है। स्थानानि कलये ददो, महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान ददो माने दिया। कहां, कितनी जगह पर? चार जगह पर। तो जिस जगह पर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया, यदि हमको भजन करना है, भक्ति करनी है, जीवन में कुछ प्रगति करनी है, तो वह चार स्थान हमारे जीवन में वर्जित कर देने चाहिए। सर्वप्रथम स्थान महाराज परीक्षित दे रहे हैं, द्रुतम। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि तुम मेरे राज्य में जहां पर लोग जुआ खेलते हैं उसके मस्तिष्क में, उसकी बुद्धि में जाकर बैठ जाओ। जुआ खेलने वाले के दिमाग में कलयुग आ जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी सर्वप्रथम भक्ति में, यदि आपको भक्ति करनी है तो सबसे पहले जुआ खेलना बंद कर दो, क्योंकि जुआ खेलने वाला भक्ति तो कर ही नहीं सकता है। भक्ति तो दूर की बात है, जुआ खेलने वाला मनुष्य भी नहीं कहलाता है, वो मनुष्य नहीं है जो जुआ खेलता है। दूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलने से कलयुग सवार हो जाता है। तत्पश्चात दूसरा स्थान दे रहे हैं पानम, होता है नशा। किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। अब नशा का होता है शराब का नशा, तंबाकू का नशा, गुटखा, और भी सिगरेट का नशा, जितना भी नशा है, जो लोग नशा करते हैं छोड़कर उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। एक महाराज परीक्षित कि आपके बिना स्थान दिया ये पृथ्वी शोभित नहीं, इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। स्त्रीय, तीसरा स्थान दिया स्त्रीय। जो लोग अपनी पत्नी के अलावा पर स्त्री के साथ संग करते हैं उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। और चौथा स्थान देते हैं सुना,
सुना का अर्थ होता है अखाद्य वस्तु। इस संसार में भगवान ने बहुत सारी वस्तुएं बनाई हैं, कुछ खाने लायक है कुछ खाने लायक नहीं है। शास्त्र में लिखा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने लायक जो वस्तु खाते हैं उनके दिमाग में जाकर बैठ जाओ। नहीं खाने लायक क्या है? मांस, मच्छी, अंडे, ये सब वस्तु मनुष्य के भोजन के लिए नहीं है। और यहां तक चाय, कॉफी, ये भी अखाद्य वस्तु है, ये भी नशा है। देखो महाराज परीक्षित स्थान दे रहे हैं कलयुग को, चाय में, कॉफी में, मांस, मच्छी, अंडा। देखो व्यासपीठ के ऊपर बैठा हूं, सत्य चीज बता रहा हूं, और आप भी बुद्धिमान हो, श्लोक सामने है। ऐसा भी नहीं है कि प्रभु जी अपनी बुद्धि से बता रहे हैं, और न तो मेरी कोई चाय की कंपनी वाले से दुश्मनी है कि बंद करा दूंगा ये टाटा टी वाले और जीवराज वाले का। जीवन में सत्य का ज्ञान हो तो जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ प्याज और लहसुन भी, कांदा लहसुन भी अखाद्य वस्तु है। जो लोग कांदा लहसुन खाते हैं, चाय, कॉफी, मांस, मच्छी, अंडे, ये सब के दिमाग में कलयुग का वास है। वो भक्ति तो कर ही नहीं सकते हैं, वो मनुष्य का कार्य भी नहीं कर सकते हैं। भक्ति तो दूर की बात है। तो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये चार जगह पर अधर्म का वास है। इसलिए जिसे धर्म का पालन करना है उसे ये चार कार्य करने होंगे। इस संसार में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ लोग अपने आप को धर्मवेत्ता कहते हैं, धर्म के प्रणेता कहते हैं, और मांस को काट कर खाते हैं। मांस काटने वाले, पशु की हिंसा करने वाले, नशा करने वाले कभी धर्मात्मा नहीं कहे जाते हैं। धर्म का वास है, वहां धर्म नहीं होता। चार कार्य से वर्जित महाराज परीक्षित ने चार जगह पर स्थान दिया और वहां से चले गए। कुछ दिन बीते, एक दिन की बात, महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए वन में गए। गर्मी की ऋतु थी, बहुत घोर वन में चले गए और वन में जाकर सूर्य सिर पर तप रहा है, पृथ्वी की गर्मी है, और उस गर्मी के कारण महाराज परीक्षित को प्यास लग गई। आजू बाजू में जलाशय ढूंढा परंतु नहीं मिला। एक ऋषि मुनि का आश्रम दिखा और ऋषि मुनि के आश्रम में गए। समीक ऋषि का आश्रम था, आश्रम में प्रवेश किए, समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। महाराज परीक्षित मन में विचार किए, दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट हूं, राजा हूं, इनके घर पर आया हूं लेकिन मेरा स्वागत नहीं हुआ। ये ध्यान वास्तव में कर रहे हैं कि ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं? ये देखने के लिए महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था उसे उठाकर उस समीक ऋषि के गले में रख दिया। लेकिन समीक ऋषि ध्यान में स्थित रहे, परीक्षित ने देख लिया कि समीक ऋषि का ध्यान सत्य है। परंतु ये दृश्य एक बालक ने देख लिया, और समीक ऋषि का एक पुत्र जिसका नाम श्रृंगी था, और यह श्रृंगी नदी में स्नान कर रहा था। ये बालक दौड़ कर गया, श्रृंगी को जाकर बताया, आपके पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया। जीवित सर्प था, मरा हुआ ये कुछ ज्ञात नहीं था, परंतु इतना सुनते ही कि मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, हाथ में जल लेकर श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा, उसे डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया और श्रृंगी दौड़ते हुए अपने पिता समीक ऋषि के पास आए, जोर जोर से रोने लगे। पुत्र के रोने की बात, रोने की आवाज सुनकर समीक ऋषि का ध्यान टूटा, आंखें खोली, बोला बेटा क्यों रो रहे हो? तब श्रृंगी ने कहा कि पिताजी मुझे ऐसा लगा कि आप मर गए हो। बोले मैं मरा नहीं हूं, ये तो मरा हुआ सर्प है। तब
श्रृंगी ने कहा कि मैं तो सोचा कि किसी ने आपके गले में जीवित सर्प डाल दिया है, इसलिए मैंने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया। बोले किसको श्राप दिया? बोले मुझे पता नहीं है। समीक ऋषि ध्यान में बैठे और ध्यान में समीक ऋषि ने देख लिया कि इसने अज्ञात में महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इतना पता चलते ही समीक ऋषि बहुत दुखी हुए, अफसोस करते हुए कहते हैं कि अरे रे बेटा, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलती कर चुका है तू। तूने परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। अरे परीक्षित जब इस दुनिया से चला जाएगा, इस दुनिया पर जब परीक्षित जैसे राजा नहीं रहेंगे, चोर और लुटेरे की संख्या बढ़ने लगेगी, संसार के लोग आपस में एक दूसरे को गाली देंगे, अनर्थ हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, संतान वर्ण संकर हो जाएगी यदि परीक्षित इस राज्य में नहीं रहेंगे। परीक्षित की कृपा से, परीक्षित के प्रचंड शासन से संसार में सब लोग सुखी रहते हैं। आज तूने परीक्षित जैसे धर्मात्मा को श्राप दे दिया, बहुत अनर्थ हो गया। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पुत्र से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। भक्तों, पुत्र से जो गलती होती है वो पिता की गलती मानी जाती है। पिता अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पुत्र से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। और तुरंत समीक ऋषि ने एक व्यक्ति को भेजा, जाओ और परीक्षित को बताओ कि 7 दिन के बाद तुम्हें मरना है, मरने से बचने का उपाय कर लो। परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे, तब तक वो व्यक्ति पहुंच गया और राजा परीक्षित को यह खबर दी कि महाराज अनर्थ हो गया है। बोले क्या हुआ? बोले 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा आपकी मृत्यु होने वाली है। हमारे जीवन में यदि ऐसी घटना आ जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ कर दीजिए, ज्यादा जी जाए। परंतु परीक्षित ने मरने से बचने का उपाय नहीं किया। इस संसार में जो असुर होते हैं वो मरने से बचने का उपाय करते हैं। जैसे कंस को पता चला देवकी की 8वीं संतान मेरे मृत्यु का कारण, तुरंत देवकी को मारने का प्रयास। हिरण्याकश्यप के बारे में कल आप सुनोगे, हिरण्याकश्यप राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंदम एक राट व्यधित सत, अमर होने के लिए तपस्या किया। ये असुर लोग मरने से बचना चाहते हैं, और जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे मरने से बचने का उपाय नहीं करते हैं, अपनी मृत्यु को सवारने का उपाय करते हैं, मृत्यु को सजाने का उपाय करते हैं, सजाते हैं मृत्यु को। महाराज परीक्षित ने सोचा कि बस 7 दिन मेरे जीवन में बचे हैं, और महाराज परीक्षित अपने मन में सोचने लगे। या विधि राजा करियो विचार, या विधि राजा करियो विचार, या विधि राजा करियो विचार, या विधि राजा करियो विचार। महाराज परीक्षित इस दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट यदि चाहे तो मृत्यु को अपने वश में कर सकता है, परंतु मरने से बचने का उपाय नहीं कर रहा है। महाराज परीक्षित अपने मन में सोच रहे हैं, क्या करूं। तब महाराज परीक्षित के मन में बहुत सुंदर विचार उत्पन्न हुआ। जीवन के अंतिम समय में अब घर को छोड़ दूंगा, घर की आसक्ति को छोड़ दूंगा, घर बार सब कुछ छोड़ने का निर्णय कर लिया। अपने पुत्र जन्मेजय को तुरंत राजा बना दिया, बेटा आज से राज करो, और खुद स्वयं वन में जाने के लिए तैयार हो गए। या विधि राजा करियो विचार, गाइए सब लोग। विधि राजा
सुरदास जी की रचना है, अद्भुत रचना। राज साज सब ही को दारी, राज साज सब ही को दारी, राज साज सब ही को दारी, राज साज सब ही को दारी। महाराज परीक्षित लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े ये सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ एक झटके में मलवत, जैसे इस संसार में लोग अपने मल को त्याग कर उसे देखने के लिए खड़े नहीं रहते, वहां से निकल जाते हैं। इस संसार में लोग उल्टी करते हैं, उस उल्टी करके वहां से तुरंत निकल जाते हैं, वैसे राजा परीक्षित मलवत अपने राज्य को त्याग कर वहां से निकल गए। किस प्रकार से निकले हैं सुरदास जी लिखते हैं, जीरन पट कुपित तन धारी, 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 चलो सुर सरी शीश उधारी, चलो सुर सरी शीश उधारी। महाराज परीक्षित जीर्ण वस्त्र पहनकर, मात्र एक कोपिन है, एक कोपिन पहनकर सुर सरी देवलोक से जो निकली है ऐसी गंगा के तट पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, घर से निकल रहे हैं, सब कुछ छोड़कर संसार से वैराग्य हो गया और हरिद्वार में गंगा के तट पर जाने के लिए निकल रहे हैं। चलो सुर सरी शीश उधारी, 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 पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, राजा तिन की ओरन जोवे, राजा तिन की ओरन जोवे। बहुत सुंदर बाल थे, मुंडन करा दिया, समस्त वस्त्र निकालकर कोपिन पहन लिया, घर बार सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन पुत्रों ने चरण पकड़ लिए, पिताजी मत जाइए, पत्नी आई प्रभु मत जाइए, सारी प्रजा आई राजन आप मत जाइए। परंतु आज महाराज परीक्षित किसी की ओर न देखे, सबको छोड़कर सबको तिलांजलि देकर महाराज परीक्षित इस हरिद्वार नामक स्थान पर, इस शुक्रताल नामक स्थान पर आने के लिए निकल गए। पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, पुत्र कलत्र देखी सब रोवे, राजा तीन की ओर न जोवे, 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 राजा चलत चले सब लोवे, राजा चलत चले सब लोवे, दुखी तब ये सब नृपति सब त्रिपति वियोग, दुखी
गाइए सभी लोग प्रेम से गाइए। महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर घर बार छोड़कर हरिद्वार नामक स्थान पर आए और शुक्रताल नामक स्थान पर सूर्य सरी गंगा के तट पर पहुंचे हैं और सर्वप्रथम महाराज परीक्षित गंगा में स्नान किए और गंगा में स्नान करके अपने शरीर पर गंगा की पवित्र मृतिका पवित्र रेत लगाए। नृपति सुर सरी के तट आई, नृपति सुर सरी के तट आई, कियो स्नान मृतिका लाई, स्नान मृति का लाई, यो स्नान मृति का लाई, करी संकल्प अन्न जल महाजो, महाराज परीक्षित गंगा में स्नान किए, रेत को अपने शरीर पर लगाए और हाथ में जल लेकर महाराज परीक्षित ने संकल्प किया, अब जीवन में 7 दिन बचे हैं, 7 दिन तक मैं भोजन नहीं करूंगा, 7 दिन तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और 7 दिन के लिए एक क्षण के लिए मैं कभी नहीं सोऊंगा। अनशन आमरण व्रत लेकर महाराज परीक्षित बैठे हैं। करी संकल्प करके इस स्थान में आकर खड़े हैं। त्रिभुवन में यह बात फैल गई कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, गंगा के तट पर खड़े हैं, निश्चित कोई शुभ कार्य होने वाला है। सब लोग अपनी अपनी कुटिया को छोड़कर, सब लोग अपने अपने तपस्या और ध्यान करने के स्थान को छोड़कर इस पवित्र शुकताल नामक स्थान में पधारे। कौन कौन आए? वशिष्ठ आए, अत्रि आए, नारद आए, चवन आए, शरदवान आए, हरिष्णेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्कल, इद्मवाह, देवल, हरिष्णेन, भरद्वाज, संतों का मेला लग गया। अनेक लोग यहाँ पर आए और सब लोग महाराज परीक्षित को देखकर दर्शन देने लगे। महाराज परीक्षित सबको हाथ जोड़े, दंडवत किए, प्रणाम किए। आज महाराज परीक्षित गंगा के तट पर खड़े हैं, अनेक ऋषि मुनियों का दर्शन किए। महाराज परीक्षित के हृदय में आनंद की कोई सीमा न रही, दोनों हाथ ऊपर करके महाराज परीक्षित नाचने लगे। हरे कृष्णा
मेधादिति देवल अरिष्टनयन भरद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और कवश अगस्त्य नारद अनेक ऋषि मुनि अपने समस्त शिष्यों को साथ लेकर महाराज परीक्षित के पास गंगा के तट पर पधारे हैं। और उस समय महाराज परीक्षित ऐलान करते हैं, आज साक्षात काल क्यों ना आ जाए, आज मृत्यु साक्षात तक्षक नाग भी आ जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि गंगा के तट पर खड़ा हूं, साधुओं के बीच में बैठा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। महाराज परीक्षित सबको कहने लगे, आप मेरे पर कृपा कीजिए, भगवान विष्णु की कथा सुनाइए, गायत्री विष्णु गाथा। परंतु यहां पर जितने भी लोग थे, ये लोग कथा सुनाने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए आए। महाराज परीक्षित के मन में जब इच्छा हुई कि मैं 7 दिन तक भगवत कथा सुनूं, भक्तों जब भक्त के हृदय में वास्तविक शुद्ध जिज्ञासा होती है तब भगवान की उन पर कृपा होती है। महाराज परीक्षित को जब जिज्ञासा हुई, कथा सुनने की इच्छा हुई, उस समय भगवान के योग से दिव्य लक्षण वाले पृथ्वी के ऊपर स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले आत्मराम आप्तकाम मुक्तकाम प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भागवत भूषण भागवत रत्न भागवत प्रदान भागवत भास्कर वैया सखी व्यास नंदन परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में आ गए। बोले सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। आज सुखताल नाम के धाम में महाराज परीक्षित खड़े हैं, अनेक साधु संत महात्मा आए हैं और परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी इस कथा में पधारे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए, सुखदेव गोस्वामी का आगमन कीजिए, नाचते हुए गाते हुए इस उत्सव को मनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 गोस्वामी आए हैं। कल से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद प्रारंभ होगा और कल से भागवत का दसम स्कंद और सातवां अध्याय शक्तासुर वध और भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ से प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा हरे